चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो वंदितु की 37वीं गाथा है उसके ऊपर आज हम जानकारी लेंगे। जामुन के वृक्ष का उदाहरण था जो लेशिया के बारे में हमें समझाया रहा था। तो लेशिया, मुख्यतः लेशिया क्या होती है? लेशिया हमारे आत्मा के परिणामों को कहा जाता है। आत्मा इन छह परिणामों में, मोटा मोटी संख्या में छह में, बाकी इसमें भी दो लेशिया के मध्य में भी बहुत ही जगह पे आत्मा हो सकती है। और आपको ये यही समझना है कि आप एक लेशिया पे टिक भी नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे सड़िक राजा को क्षायिक समय कृत्व आ गया था, उन्होंने बांधा था, तो वो शुद्ध लेशिया में थे उस वक्त, लेकिन नरक गति में जाने के कारण मृत्यु से 48 मिनट पहले वो कृष्ण लेशिया में, नील लेशिया में या कापुत लेशिया में चले गए। उनका सम्यक दर्शन चला गया। नरक में उत्पन्न होने के 48 मिनट बाद, एक अंतर्मुहूर्त, दो अंतर्मुहूर्त बाद वो वापस वो लेशिया में से शुभ लेशिया में चले गए। तो ये होता है जब हम कोई ऐसे तीव्र अशुभ वातावरण में हो या ऐसी सोच में हो, तो हमारी वो क्षण तक लेशिया अशुभ हो जाती है। कुछ समय बाद जब आपको ये रियलाइज हो कि ये कुछ गलत हुआ है, तो आप शुद्ध लेशिया में भी वापस जा सकते हो। पर ये वो लेशिया में जाना और टिके रहना, उसके लिए ही हमें प्रयत्न की जरूरत होती है। परमात्मा यही कारण से गौतम स्वामी से बार बार एक ही बात बता रहे थे कि समय का प्रमाद मत करो, थोड़े समय का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे जाएंगे। तंपी हूँ सब परिक्रमणम, यहाँ सम्यक दृष्टि जीव के मामले में बताई है ये गाथा में कि सम्यक दृष्टि जीव को अल्प पाप भी बंधन वाला कहा है, लेकिन वो विष अल्प होने पर भी हानि करता है, ऐसे पाप भी अल्प होने पर भी संसार का भ्रमण करा देता है। तो प्रतिक्रमण करने के कारण से जो अल्प पाप हुआ, आप उससे बच सकते हो। देखो, यहाँ परमात्मा ने सम्यक दृष्टि जीव के लिए बहुत महत्व की टीप दी है। ये इसको हम टीप ही समझेंगे कि अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको कैसे बचना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव को हर एक पाप का प्रतिक्रमण करना चाहिए, रोज करना चाहिए, क्योंकि अल्प पाप भी आपको संसार का बंधन करा देगा। तो यहाँ बस अल्प पाप भी अल्प विष की तरह है, ऐसा परमात्मा ने बताया कि अल्प विष भी प्राणघातक होता है, ऐसा अल्प पाप भी संसार को बढ़ाने वाला होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव जो ज़्यादा तो पाप कर ही नहीं रहा है, लेकिन जो अल्प पाप भी उससे हो रहा है, तो उस अल्प पाप से भी उसको रोज प्रत्येक समय में अपने आप को बचाना जरूरी हो जाता है। इसी कारण से सम्यक दृष्टि जीव के लिए ही ये गाथा है। ये गाथा स्पेशल सम्यक दृष्टि जीव के लिए है, उनके लिए टीप के बराबर है। मैं फिर से ये गाथा बोल रही हूँ। सम्यक दृष्टि जीव को अल्प पाप बंधन वाला है, विष अल्प होने पर भी हानि करता होता है, ऐसे ही अल्प पाप भी संसार का भ्रमण करा देता है। यही कारण से रोज के रोज प्रतिक्रमण द्वारा संसार भ्रमण को कैसे रोका जाए, तो प्रतिक्रमण अगर करोगे, प्रत्येक पाप की आप माफ़ी मांग लोगे, रोज आज पाप किया आज ही उसकी क्षमा अपना, आज पाप किया आज ही उसकी क्षमा अपना, तो आप ये अल्प पाप भी आपको संसार भ्रमण के लिए बांध नहीं पाएगा। अल्प पाप भी हमेशा करने से अति हो जाता है। रोज आप हमेशा करो, अल्प पाप करती रहो, प्रतिक्रमण करो ही ना, आपको लगे नहीं एक इंद्रिय जीवों की हत्या मैं कर रहा हूँ, आपको नॉर्मल हो जाओगे। अरे वो तो रोज का है, उसमें क्या देखना, ये जीव तो होते ही है। हम जितना भी खाएंगे पिएंगे तो वायु का है, अप का है, तेव का है, अग्नि का, ये तो मरने ही वाले हो, उसके लिए कोई दया की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आपके अंदर से दया निकल जाएगी। तो आपको ये अल्प पाप जो रोज हो रहा है उसका प्रायश्चित रोज आपके दिमाग में आना ही चाहिए। तंपी हूँ सपरिक्रमणम, सपरियावन
स उत्तर गुणम च, इसका मतलब ये हुआ कि अल्प पाप कर्म बंधन को भी सुश्रावक अवश्य प्रतिक्रमण द्वारा सपरिक्रमणम, ठीक है, सपरियावम मतलब पश्चाताप सहित, तंपी हु सपरिक्रमण, आप प्रतिक्रमण द्वारा पश्चाताप सहित, ठीक है, अल्प कर्म बंधन को भी स उत्तर गुणम च, उत्तर गुण में वृद्धि करने से, ध्यान दीजिएगा, स उत्तर गुणम मतलब आपके जो गुण है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने से, आप प्रतिक्रमण करोगे तो प्रायश्चित में वृद्धि होती जाएगी, उत्तरोत्तर रोज वृद्धि होगी। खिप्पम उवसामेई, खिप्पम अवश्य, और उवसाम, उवसाम मतलब शांत होता है, शांत होता है हमेशा, और प्रायश्चित द्वारा जल्दी शांत कर देता है। क्या क्या हुआ, बात क्या हुई कि पश्चाताप द्वारा और प्रायश्चित द्वारा रोज के अल्प कर्म बंधन भी शांत हो जाता है। वाहिवसु सिखियो विज्जो, वाहिवसु सिखियो मतलब सुशिक्षित, आप उसमें सुशिक्षित विज्जो वैद, जो वैद सुशिक्षित वैद जैसे रोग को शांत कर देता है, सुशिक्षित वैद जैसे व्याधि को शांत कर देता है, बिल्कुल इसी तरह से पश्चाताप और प्रायश्चित सहित प्रतिक्रमण आपके अल्प कर्म बंधन को शांत कर देता है। ये गाथा का अर्थ है। बोलो, हम तो बोलते जा रहे थे अब तक कि खिप्पम वो सामे वायु सुशिक्षो विज्जो, इसका मतलब पता था क्या कि सुशिक्षित वैद्य रोग को शांत करता है। इस तरह से आपके भी प्रतिक्रमण ने आपके भी पाप को शांत कर दिया, इसका अर्थ ही है, उपशांत कर दिया उसको। हमको नहीं पता, हम खाली बोल देते गाथा। तो ये गाथा का अर्थ है कि सम्यक दृष्टि श्रावक मंद परिणाम से और यत्न आदि से, यानी कि जागृति से, यत्न का अर्थ है जैना, जागृति से अत्यंत अल्प पाप बंधन करता है, वो हर एक पाप बंधन में ध्यान रखता है, जरूरत उतना ही पाप करेगा, जरूरी है वो ही करेगा, और यह अल्प पाप को भी वो छह आवश्यक वाले प्रतिक्रमण को विधि पूर्वक करके प्रायश्चित रूप शांत कर देता है। इसके अतिरिक्त, हाँ ये पाप मैंने किया है, मेरे से विपरीत आचरण हो गया है, इस तरह से संताप और पश्चाताप वो करता भी है, वो संताप भी करता है पश्चाताप भी करता है कि उसको ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। परंतु मिथ्या दृष्टि, अब यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात की है, मिथ्या दृष्टि को तो निर्ध्वंस परिणाम, बिल्कुल निर्ध्वंस परिणाम है, ध्वसित हो चुका है, मर रहा है मरने दो, जो होना है होने दो, पाप किया तो क्या हो गया, गृहस्थ की पाप बिना नहीं चल सकता। पता है दिवाली के पटाखे फूटेंगे ना तो वो ये सोच लेंगे मिथ्यात्री या ऐसे सोच वाले कि भाई अच्छा है चलो बारिश के बाद सारे मच्छर नाश हो, वो उल्टा सोच रहे, संसार की वृद्धि का कारण सोच रहे, संसार में सब पाप करने ही पड़ते, ऐसा विचार, ये तो विचार सम्यकत्व को नहीं आ सकता, वो मिथ्यात्री को ही आ सकता है। और पाप का उपशम कहाँ से हो सकता है, स परियावम, ठीक है, सब परियावम मतलब कि प्रायश्चित, परिताप प्रायश्चित, प्रतिचारणा लाभ की इच्छा वाला वणिक, जैसे वणिक हो, कोई व्यापारी हो, लाभ की इच्छा वाला हो तो लाभ का कार्य करने जाएगा ही जाएगा, तो आपके लिए भी ये लाभ की इच्छा है कि आपका संसार आज के दिन का जो भी पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, कितना लाभ और कितना नुकसान है उसका विचार करने के बाद ही व्यापारी प्रवृत्ति करेगा। अगर काम करेगा वो सोचेगा कि ये काम करने से मुझे नुकसान है तो वो काम वो नहीं करेगा, तो बिल्कुल वणिक की तरह। इसीलिए जैन को भी वाणिया कहा गया है, क्योंकि अब ध्यान दो, जैन वाणिया कोम से नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आई है, ध्यान दो, कोई बोले ना जैन सारे बनिए होते तो हाँ वो सोच से बनिए, कैसे बनिए हैं, अपनी सोच के कारण बनिए हैं, बनिया कभी भी नुकसानी का धंधा नहीं करेगा, यही कारण है कि जैन को बनिया कहा गया है, बनिया जैन कभी भी नुकसानी का काम नहीं करेगा,
जिसमें ज्यादा पाप है वो छोड़ देगा उसको, जितना हो सके उतना कम पाप करेगा, और जो भी पाप कर रहा है उसका भी फायदे में कैसे पलट जाए उसकी भी वो कोशिश करेगा। बोलो, प्रतिक्रमण वही है। आपने जितना भी दिन का पाप किया है उसको आप फायदे में बदल रहे हो। इस कार्य में कितना लाभ कितना नुकसान, इसका विचार हर प्रवृत्ति करते वक्त सम्यक दृष्टि सावक करता ही करता है। भगवान ने खुद ने कहा है कि समय का भी प्रमाद ना कर, वर्तमान जोग वर्तमान में ही रहो, जो वर्तमान क्रिया हो रही है उससे आपको मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग ये पांचों से बच के रहना है। भगवान ने भी बार बार ये कहा है कि ध्यान दो ध्यान दो। तो पुण्य का विचार, अल्प पाप से अधिक पुण्य कार्य का विचार वो सम्यक दृष्टि श्रावक करेगा ही करेगा, ठीक है। दो पाप कार्य में अधिक पाप कार्य वाला जो कोई पाप होगा तो वो कार्य को वो छोड़ देगा, और अल्प पाप कार्य वाले में ही वो प्रवृत्ति करेगा, और यही सब प्रतिचारण कहा गया है। कौन कौन सा कार्य करूं और कौन कौन सा कार्य नहीं करूं, कौन कौन सा कार्य मैंने अल्प किया या ज्यादा किया, इस तरह से जो पुरुष कार्य अकार्य का हृदय में विचार करता है वो पुरुष अपना अत्यंत हित कर रहा है, वो जीव अपना अत्यंत हित सोचता है। और सम्यक दृष्टि जीव अल्प पाप भी क्रिया किया हो तो गुरु महाराज के पास जाकर उनके सामने प्रकाशित करके उसका निवारण का उपाय भी पूछ लेता है, और इसी से गुरुदेव तदा उसको तदयोगी प्रायश्चित भी दे देते कि भाई तेरे मन में आया है तो तू ये प्रायश्चित जरूर कर। और इसी प्रायश्चित को उत्तरकरण कहा गया है। क्या उत्तरकरण? रोग निदान की चिकित्सा आदि में जैसे कुशल वैद्यराज अंदर पड़े हुए छोटे से छोटे जंस को भी मिटा देते हैं, बिल्कुल इसी तरह व्याधि के अंदर जैसे वमन पेट साफ है कि नहीं, उपवास कराते हैं, कुछ खाना बंद कराते हैं, कुछ खटाई बंद कराते हैं, उस तरह से वो उसका उपशांत करते हैं, रोग का उपशांत करते हैं। ऐसे ही सुश्रावक भी अल्प बंधन वाले पाप को पहले चुनाते हैं, वो कि भाई अल्प पाप है तो वही करो, पहले ज़्यादा पाप वाला काम छोड़ दो, फिर प्रतिक्रमण करो, फिर पश्चाताप करो, प्रायश्चित आदि से मूल से अवश्य ही उपशम करो अथवा तो क्षय करो। तो ये क्षय उपशम और ये मूल से प्रायश्चित और प्रतिक्रमण, ये चारों चीज हमें अपनी जिंदगी में हर एक क्षण में सोचनी चाहिए। जहाँ विषम कुठ गयम, अब उसकी बाद वाली गाथा है, जहाँ विषम जैसे ही विष, ध्यान देना यहाँ विष बहुत महत्व का मुद्दा है क्योंकि विष ही पाप है, आपको ये ध्यान देना है। पाप बिल्कुल विष की तरह है, अति अल्प विष भी आपके शरीर और आपकी आयुष्य को खत्म कर देगा, ऐसे ही अल्प पाप भी आपके मोक्ष की इच्छा को खत्म कर देगा और संसार में भव भ्रमण बढ़ा देगा। जहां विषम कुठ गए, जैसे ही जिस प्रकार से विष पेट में गया वो कुंठित हो जाता है, कुठ गए वो पूरा कुंठित हो जाता है जैसे ही वो पेट में गया हो। मंत्र मूल विसा रहा, तो जो भी मंत्र जानने वाला हो, जो भी उसके मूल से उसका नाश करने वाला हो, जड़ी बूटी जानने वाला और मंत्र जानने वाला, दो ही उसमें से आपको बचा सकेगा, बराबर। अगर विष पेट में चला गया है तो एक तो मांत्रिक को बुलाओ या फिर जड़ी बूटी वाले को बुलाओ। मांत्रिक को बुलाने से भी आपका विष जाता है, उसको अगर ये विद्या आती हो तो ये दोनों को बुलाने से वैद्य आएंगे और आपका जो जहर मंत्रों से जहर वहर है वो सब उतार देगा, तो इससे आपका पेट जो है वो विद्या हणन्ति मन्ते हिम, मतलब मंत्र द्वारा आपका पेट विष रहित, विद्या हणन्ति वो सारा जो विज है वो हण दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है और आपका पेट विष रहित हो जाता है। तो तम हवई निविषम, और जैसे ही ये पूरा विष निकल गया आप बिल्कुल निर्विष निविषम, मतलब कि निर्विष बन जाते हो। ये गाथा यही कह रहा है कि जैसे ही विष पेट में गया आप
आपके अंदर से अंदर का पूरा शरीर का तंत्र कुंठित हो जाएगा, तो मंत्र और मूल के विशारद, मंत्र मूल विशार है, उसके विशारद को बुलाना पड़ेगा और वो उसकी आप उनकी विद्या से, विद्या मतलब विद्या, वो अपनी मंत्र विद्या या वो अपने मूल जड़ी बूटी की विद्या हो, वो उसके द्वारा ये विष हण देंगे और आप बिल्कुल निर्विष हो जाओगे। तो ये ऐसे ही श्रू श्रावक के लिए बताया है कि आपने पाप रूपी विष का सेवन कर लिया, आपने पाप करके विष का सेवन कर लिया, अब आपको क्या करना है, जो मंत्र मूल के जो जड़ी बूटी वाले हैं उनको बुलाना है, गुरु के सामने जाना है, आपको दो टाइम प्रतिक्रमण करना है और अपने मन से जो पाप किया है उसकी हिलना करके उसका प्रायश्चित कर दे, ठीक है। अब यहाँ विष की थोड़ी बात की है, मंत्राक्षर की बात की है कि विष भी दो प्रकार का है, स्थावर विष जंगम विष, जो जैसे कड़वी तुरिया आएगा, दूधी कड़वी आएगी, ये सब चीज में भी वृक्ष आदि में भी अगर घूमते फिरते बिच्छू ने उसको काट लिया हो तो ही आएगी, बाकी दूधी कड़वी होती नहीं, दूधी की जात में कड़वास नहीं है, दूधी की जात में जहर होता ही नहीं है, इस चीज के ध्यान रखना है इस चीज पे। अगर किसी दूधी अगर कड़वी निकली तो समझ लो कि किसी भी बिच्छू ने या सर्प ने उसमें से कहीं से भी डंक मारा हुआ है, तो आपको कभी भी लगे कि ये तुरिया या ये चीज में कहीं डंक लगा हुआ, तो आपको उसी वक्त उसको छोड़ देना है, खाना नहीं है उसको। तो ये कारण से ये इसमें विष चला जाए, वो आपके शरीर में चला जाए, पेट में चला जाए, पेट में फैल जाए, तो यंत्र तंत्र के विशारद आमना ऐसे ही उसके निपुण वैद्य आके अपने जड़ी बूटी या ये मंत्र तंत्र से नाश कर देते हैं। सर्प ऐसे ये खाने के कारण हुआ। दूसरा जंगम, ये स्थावर है ये, और जंगम में क्या है कि वो खुद सर्प ही आके आपको डायरेक्ट काटे, बिच्छू ही आके आपको डायरेक्ट आपके शरीर में ही सीधा जहर जो है वो पूरा डंक मार के भर दे, तो उससे भी सम्यक दृष्टि जीव, उससे भी आप विष रहित हो सकते हो अगर समय से आपको उसके लिए ट्रीटमेंट मिल जाए तो। सर्पादि का भी जहर उतर जाता है, ऐसे जैसे सम्यक दृष्टि का अल्प पाप बंधन रूप विष भी मंत्रादि समान प्रतिक्रमण, क्योंकि छह आवश्यक है प्रतिक्रमण में, और छह आवश्यक द्वारा, ये छह आवश्यक ही मंत्र रूप है, आपको ये याद रखना है, आपका वो जहर वो उतार देगा। तो यहाँ पे आपको ये सोच रहा है कि जहर चढ़ा हुआ मनुष्य मंत्राक्षरों का कुछ भी अर्थ नहीं जानता है, वो खाली उच्चारण भी नहीं करता है लेकिन मंत्र को सुनता है, बराबर समझ में आ रहा है, वो होगा कौन, वादी मंत्र बोलने वाला, वो बोलेगा और जिसको जिसके शरीर में जहर वो सिर्फ सुनता है, ना वो बोलता है और ना ही वो रटता है, कुछ नहीं कर रहा है, खाली मंत्राक्षर सुनने से ही उसके शरीर से पूरा जहर उतर जाता है। तो बराबर इसी तरह से गणधर भगवान रचित मंत्राक्षर समान प्रतिक्रमण सूत्र, हमारा ये जो प्रतिक्रमण सूत्र है वो सारा गणधर भगवान रचित है और वो गणधर भगवान के द्वारा रचा हुआ है, तो वो मंत्र ही है ना, आपको पता है उसमें मंत्र कितने, वो सगरम स्तोत्र में मंत्र कितने सारे, और वो सगरम स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो प्रतिक्रमण में भी आएगा, चैत्य वंदन में भी आएगा और जाप में भी आएगा, बोलो है कि नहीं, तीनों में है कि नहीं, बंदितु में भी आएगा, पक्षी कब बोलोगे ना तो कर्मी बंदे वो सगरम, फिर आता है आपको भी ये बोलने में। तो ये जो सारी चीज है जो मंत्राक्षर और बीज मंत्रों से भरी हुई है उसको सुनने मात्र से भी आपके रोग चले जाएंगे। ठीक है, मणि मंत्र और औषधि का अचिंत्य प्रभाव मंत्र के अक्षरों को सुनने मात्र से ही उसके अंदर से गुण प्रकट हो जाता है। ठीक है, आओ अब इसके लिए एक यहाँ छोटी सी कहानी भी बताई है कि शब्द से क्या काम होता है। तो एक वृद्धा स्त्री थी, उसका हंस नामक एक पुत्र था, किसी दिन एक सर्प ने उसको काट लिया था। अब ये जो पुत्र बेहोश हो गया
कुछ नहीं कर पाया, लेकिन पुत्र का नाम था हंस। ठीक है, पुत्र का नाम था हंस। तो ये वृद्धा बार बार हे हंस करके वो विलाप कर रही थी, अरे हंस तू उठ उठ, हंस 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 करके। अब हंस शब्द है वो गारुड़ी मंत्र का बीज रूप है, वो किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था, पर वो जो गारुड़ी मंत्र होता है, गारुड़ी मतलब सर्प के विष को उतारने का मंत्र, उसमें हंस शब्द है और ये हंस शब्द बीज मंत्र है। तो ये बार बार माँ हंस 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 बोल रही है, बोल रही है, बोल रही है, और ये बीज रूप होने के कारण वो शब्द वो बेटा सुन रहा है, हंस 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 हंस, और वो सुनने के कारण ये उसके शरीर के पुत्र के अंग से सारा विष उतर गया। तो आपको नहीं पता है वो, ये तो हंस हंस बेटे का नाम चिल्ला रही थी, माँ तो बेटे का नाम बोल रही थी, लेकिन वो हंस शब्द ने ही काम करना था, उसके मंत्राक्षर ने काम करना था, तो तुरंत ही वो उसकी बेटे के शरीर से पूरा जहर उतर गया। ठीक है, तो अब इसमें एक और बात भी बताइए कि छोटा बालक अग्नि के गुण दोष नहीं जानता है, उसको नहीं पता है, वो तो अग्नि को जाके पकड़ेगा, खेलेगा, ऐसे बहुत सारे पहले भी हुए हैं वाक्य कि बेटे जाता है और अग्नि जो चूल्हा जल रहा है उसके अंदर जाके हाथ डाल देता है, उसको नहीं पता, उसको तो प्रकाश देकर वो चला जाता है उसको पकड़ने के लिए, बराबर ना, तो उसको नहीं पता है तो वो जल जाता है। ऐसे ही अगर उसने कहीं पे गुड़ का टुकड़ा पड़ा देख लिया और वो जाए उसको और उसको पकड़ के मुंह में डाले तो उसको स्वाद मीठा मिलेगा, तो पुष्टि होगी, पौष्टिकता मिलेगी। अगर उससे उल्टा होगा तो अगर वो कोई चीज जाएगा और देखेगा उसको पकड़ के वो उसको खाने की कोशिश करेगा, अब वो खाते 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 कहीं वो अफीम या गांजा का टुकड़ा निकल गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ ये समझाया है कि हमको कुछ नहीं पता है, बात यहाँ एग्जाम्पल देके ये कह रहे हैं कि जैसे गुड़ के अंदर पुष्टिकता है, सर्प के अंदर जहर, जहर के अंदर मारने की शक्ति है, अफीण के अंदर भी ज्यादा मात्रा में छोटा खाओ तो बाकी ज्यादा खा लो तो आप मर जाओगे, उसमें भी आपको मारने की शक्ति है, इसी तरह से तो वो अपना अपना शक्ति काम करती है, आप कुछ नहीं कर रहे वो शक्ति काम कर रही है। इसी तरह से बीज मंत्र में भी जो जो मंत्र है उसके अंदर का जो रोग है उसको निकालने की शक्ति है। और आपको ये पता होगा, देखो यहाँ आप बिल्कुल एग्जाम्पल आपके सामने है, मानतुंग सूरी महाराज जिनको बेड़ियों से बांधा गया था उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र ही बोला, क्यों पता है, भक्तामृत स्तोत्र पूरा का पूरा प्रत्येक गाथा बीज मंत्र से भरी हुई है कि नहीं बोलो, पूरी पूरी गाथा के अंदर बीज मंत्र भरा हुआ है, पूरे श्लोक उसके बीज मंत्र सहित है। यही कारण था कि उनकी एक 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 करके बीज मंत्र के कारण बेड़िया टूटती गई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा मंत्र की बात आई है, मैं समझाती हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है समझना। तो दृष्टवा सभ्रमकारी वस्तु सहसा ए इति व्याहतम, इसका यहाँ पूरा अर्थ दिया है कि हे वरदा सरस्वती माँ, यहाँ सरस्वती माता को याद किया। और आपको ये पता होगा, नहीं पता हो तो जान लो कि जो सूर्य मंत्र की पीठिका होती है उसमें सरस्वती माता और श्री देवी लक्ष्मी जी दोनों को विराजमान किया जाता है, पता है ये, हाँ, चार देवियां होती है उसमें, ओम रीम क्लीम श्रीम, ओम देवी रीम देवी क्लीम देवी श्रीम देवी, ये चार देवी है और पांचवे गौतम स्वामी है। ये पांचों की पट पे पांच पीठिका बनाई जाती है, गणी गणी पीठिका उसको ये कहा जाता है। जो भी पीठिका बनाई जाती है, जो आचार्य भगवंत करते हैं पीठिका और उसके उसकी साधना होती है, कम से कम 20 से 25 दिन की साधना होती है, और वो उस वक्त वो किसी भी स्त्री का मुंह नहीं देखते। तो ये जो साधना है उसमें गौतम स्वामी और चार देवियों का नाम है, उसमें सरस्वती देवी खास कर से उनको यहाँ स्थान दिया है। तो हे वरदा सरस्वती, जिसने भक्ति के वश से कोई संभ्रमणकारी वस्तु देखकर अचानक एम एम की जगह ए ए करके भी, अगर बिंदु के बिना भी ये अक्षर करके तेरी साधना की हो, ओम रीम क्लीम सरस्वती देवी नमः, ओम रीम रैम रीम, उसमें एम एम शब्द भी आता है,
राम रूम रैम रैम ऐसा शब्द आता है, तो अगर आपने ए खाली एम एम की जगह ए ए भी बोला हो ना, ऐसे शब्द से भी अगर साधना का उच्चारण किया हो ना, तो उसके मुख से भी सरस्वती देवी का वरदान आ जाता है और उसके मुख में से भी उत्तम वचन रूप अमृत जल की समान मेघ धारा की वाणी निकलती है। बात समझ में आई? ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र की साधना ऐसे ही होती है। आपको मैं एक और बात बताती हूँ, ये हिंट है, आप समझो हमारे लिए ये टिप्स है सब। आपको रोज अगर कुछ और करो या ना करो, आपको बड़ी साधना करने जाओ कि नहीं नहीं पता, लेकिन नव स्मरण को आपको रोज सुनना और बोलना और गाथा करना करनी चाहिए। अगर जिसको आ जाए ना, उसको तो 20-25 मिनट में हो जाएगा, खाली 20 या 25 मिनट में सामायिक लेके बैठो तो उसको, नहीं तो आते जाते आवड़े से पांच नो प्रॉब्लम, पण जे तमने समझावू के अजीत शांति सांभळजो अने कल्याण मंदिर स्तोत्रमां मात्र परमात्मानी भक्ति छे, मात्र ने मात्र, अने भक्तामर ये सारे पीछे के स्तोत्र है, बराबर? हाँ बस, तो आपको कम से कम रोज सुनना ही सुनना है, क्योंकि भक्तामर पूरा बीज मंत्र से भरा हुआ, अजीत शांति पूरा बीज मंत्रों से भरा हुआ, उसमें जो भी शांति आती है सारी लास्ट वाली अंतिम बड़ी शांति वो भी बीज मंत्र से भरी हुई। नहीं आप सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप मोबाइल में चालू कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि अब शब्द कान में गए ना उसका भी रिजल्ट है, शब्द आपके हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सांभळो ने बस आ तमारा कान में शब्दों जवा जोईए, તમારા કાનમાં શબ્દો જવા જોઈએ બસ। એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે યહાં કે જો શબ્દ અગર યે શબ્દ આપકે આજ કાન મે જા રહે કલ જબાન પે આયેગા, સમજ મે આ રહા હે? યે રીતે કેટલા સૂત્ર આવડે એવી રીતે જ આવડે વૈસે બધા સાંભળી સાંભળી। હા બસ બસ બસ, અભી હમકો તો વૈસે ભી આતા હોગા ના તો ભી આપકો યાદ નહીં રહેગા, ગલતી હો જાયેગી, ઉસસે તો અચ્છા હે સુનો, અગર આતા ભી હોગા ના તો ભી ગલતી હો જાયેગી, उससे तो अच्छा सुनो। इसके बाद एक और बड़ा सूत्र है ऋषि मंडल स्तोत्र का भी मांडला बनाया जाता है। आज आप सारी चीज ये मंत्र की निकली है इसलिए मैं आपको बताती हूँ, उसमें तो देव देवस्य करके पूरे कम से कम 25-30 मंत्र बीजाक्षर मंत्र है, डाकिनी शाकिनी सबको याद करके उनके नाम से उसका ये जो बीज मंत्र के साथ उसकी शांति की जाती है। आप मानोगे नहीं, बोल ये जो वो भी 80 गाथा है, उसकी भी 80 गाथा। तो ये सारे जो मंत्राक्षर थे और मंत्र की साधना थी, इसका सरस्वती देवी के थ्रू ही आपको इतना उसका भरपूर फल और उसका ज्ञान में वृद्धि और ज्ञानावरण के क्षय में आपको इतना क्षयक्षम मिलेगा कि हम ये सब, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, एटलीस्ट आपको नहीं आता है, नहीं बोल सकते, मंत्राक्षर में भूल हो रही है, आप सिर्फ सुनो। जिसने भी बोला होगा बिल्कुल निर्दोष बोला होगा, जो भी रिकॉर्डिंग आता है वो निर्दोष ही आता है, उसमें गलती नहीं होती है, बराबर? आओ, क्योंकि शब्द कान में पड़ने से भी मंत्राक्षर का असर होता ही होता है। कोई सरस्वती की आराधना के लिए उद्यमशील बना, कोई आश्चर्यकारक घटना वस्तु देखकर संभ्रम से मंत्राक्षर अशुद्ध उच्चारण करे, अथवा सरस्वती का बीजाक्षर मंत्र एम एम है उसके बदले ए ए का जाप करने लगे, फिर भी आराधक का आराधना भाव शुद्ध होने से उसे वो अशुद्ध मंत्राक्षर में भी सरस्वती ने प्रसन्न होकर यथार्थ वरदान देने वाली बनी है, और वो तो बने हैं, और वो मनुष्य भी काव्य कला में निपुण बनता है। तो यहाँ तो हम लोग जो बोलते हैं ना, ये बात का यहाँ निराकरण है। हम लोग ये बोलते हैं अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, उसे तो अच्छा नहीं बोलना चाहिए ना, आप कुछ भी बोलो पर बोलो,
आप अशुद्ध भी बोल सकते हो, कोई चिंता नहीं। आप अशुद्ध भी शब्द बोलोगे तो भी सरस्वती देवी आप बोल रहे हो, ये मंत्राक्षर आधे भी बोले हो ना, आधे भी बोले हो, आपको उसका उपयुक्त फल देंगे देंगे और देंगे। तो आज से तो ये भी नहीं सोचना है कि कहीं अशुद्धि आ गई तो दोष लगेगा, कोई दोष नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। समझ में आ गया? आगे चल। आपको पता है हम छोटे थे तब एक एग्जाम्पल था कि किसी को बोलना था राम 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 बोल रहा था और उच्चार राम राम हो रहा था, याद है? याद आया? हाँ, मास्तुष मुनि का भी तो है ना। हाँ, मास्तुष मुनि का भी तो वही है, उनको भी मंत्राक्षर दिया था और वो मास्तोस 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 बोलते गए, याद है ना? याद। हाँ, तो आपको वो मास्तोस बोले तो भी उसका फल उनको मिल गया। वो मास्तोस मास्तोस बोलते गए, मा रुष मातुष, मा रुष मातुष, इसका मंत्र बना दिया था कि मा रुष, देखो बिल्कुल रुठना भी नहीं, मातुष और द्वेष भी नहीं, ना राग ना द्वेष, ना राग ना द्वेष, तो मा रुष मातुष, मा रुष मातुष, उसकी जगह मास्तुष मास्तुष, पूरा गलत, मास तुष, समझ में आ रहा है? पूरा गलत। मास्तुष का अर्थ अगर आप उल्टे तरह से करो तो मास का मतलब है मास और तुष का अर्थ है खुश होना, तो मास खुश, मास खुश, तो ये तो गलत हो जाएगा अगर आप अर्थ करने जाओगे। लेकिन नहीं, उनके मन में वो भाव था कि मुझे नहीं गुस्सा करना है, नहीं राग प्रेम करना है, नहीं गुस्सा करना है, और मैं ये मंत्र कर रहा हूं, उसके मन में तो वही था ना। हाँ, तो कोई गलत भी बोला जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन बोलो सुनो, बोलो सुनो, बोलो सुनो, ठीक है। अब आगे बताया एवं अठव्यम कम्मम, अब यहाँ आगे की गाथा है, एवं अठव्यम कम्मम, इस प्रकार से किए हुए पाप की आलोचना करते करते आठ प्रकार के कर्म, अठव्यम कम्मम राग दोष समिज्य, मतलब कि ये हमारे राग और दोष को समाप्त कर देते हैं। समझ में आया? इस तरह से पापों की आलोचना करने से हमारे जो अष्ट कर्म है वो प्रतिक्रमण करने से और प्रायश्चित करने, प्रतिक्रमण प्रायश्चित, ये दोनों चीज को आपको याद रखना है। निंदा भी आ गई क्योंकि आप उसमें निंदा ही कर रहे हो, आप स्वनिंदा कर रहे हो, तो ये करने से आपके अष्ट कर्म समज्जियम, उसकी समार्जना होती है, वो खत्म हो जाते हैं। सुश्रावक आलोहतो निंदोंतो, आलोहतो मतलब वो पाप की आलोहना, निंदा की आलोहना करते करते, मैंने ये किया, ये मेरी निंदा, ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझसे गलती हो गई, तो उसकी निंदा, निंदा की आलोहना कर रहे हो आप, पूरा प्रतिक्रमण आप निंदा की आलोहना कर रहे हो, तो उसके कारण खीपम हणई सुसावो, तो वो सुश्रावक के अष्ट कर्म को बिल्कुल हणी हणी हण लेता है। मतलब ये हो गया कि आपका इस तरह से पाप से प्रायश्चित करना आपके सुश्रावक के अष्ट कर्मों को बिल्कुल अच्छी तरह से हण लेते हैं। अष्ट कर्म तो आप जानते हो, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोनीय, ये चार पहले आएंगे, फिर आयुष्य नाम गोत्र अंतराय, ये चार बाद में आएंगे। मगर इसमें से अगर जैसे आप घाती कर्म देखो तो पहले तीन और लास्ट वाला आठवां, वो चार घाती कर्म, ठीक है ना, कर्म लाइन से ऐसे ही जाएगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोनी आयुष्य नाम गोत्र अंतर है। लेकिन घाती कर्म में चार पहले किसके होते हैं, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण फिर मोनी, तीसरा नहीं चौथा, सीधा पहला दूसरा चौथा और आठवां, ऐसे क्षय पहले होता है। तो ये आठ कर्मों से जीव को जो राग द्वेष सहित बंधन, राग दोष समिज्य, अष्ट कर्म का बंधन ही तो राग द्वेष के कारण होता है, तो वो सारा आपके फिर अब मिथ्यात्व वृद्धि कषाय और योग, ये चार कर्म बंधन का कारण है,
मिथ्यात्व से ही कर्म बंधन, अविरति से ही कर्म बंधन, कषाय से ही कर्म बंधन और योग से कर्म बंधन, ये उसके सामान्य हेतु है ही है। और प्रमाद आदि भी कर्म बंधन का हेतु है, ठीक है। लेकिन सर्व में राग दोष मुख्य होने के कारण यहाँ पे राग द्वेष को ही महत्व दिया है। जैसे ही राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, मोहनीय सबसे पहले खत्म होगा, और मोहनीय खत्म होते ही आपके चार घाती कर्म का क्षय हो, ठीक है। आत्मा के में आत्म कर्म प्रदेश कैसे बंद रहे, यहाँ पे एक थोड़ा सा मुद्दा बताया है, थोड़ा ही है अभी मैं बोल रही हूँ। तेल, आप तेल लगाओ शरीर के ऊपर और आप बाहर निकलो, आपका शरीर जैसे फेस के ऊपर क्रीम लगाओ, आप तेल लगा के तो बाहर नहीं निकल सकते, फेस पर ऑयली क्रीम लगा के तो निकल सकते हो। आप ये ऑयल लगा के बाहर निकलोगे और अचानक थोड़ी धूल की डमरी उड़ेगी तो आपके फेस पे चिपक जाएगी, बोलो चिपक जाएगी कि नहीं। बस तो बराबर इसी तरह से हमारे ये जो आठ कर्म है वो आत्मा के ऊपर चिपकते, ठीक है, आत्मा के ऊपर ये रज की तरह चिपक जाते, क्योंकि बाहर जो पूरे 14 राजलोक में कर्मण की कर्म की वर्गणा भरी हुई है उसको कर्मण वर्गणा बोला गया है, कर्मण वर्गणा। उसमें से जो निमित्त में आएगा उदय में वो भी वही कर्मण वर्गणा खींच के वो उदय में जाएगा, और आप नया भी बांधोगे तो बाहर से नई रज लेके खींचोगे और नया बांधो, समझ में आया? रिपीट करने जरा, जो कर्म कैसे बंध रहा है ये सिस्टम समझनी है। तेल लगाया हुआ चेहरा होगा तो ही धूल चिपकेगी, बराबर। हाँ, तो आपके अंदर पहले के कर्म पड़े होंगे तो ही नया कर्म चिपकेगा, ये भी बराबर। पहले के कर्म ही नहीं पड़े हैं, आप बिल्कुल कर्म से जीरो हो तो फिर आप मोक्ष में चले गए, अब आपके ऊपर वापस कर्म चढ़ेंगे? देखो सिद्ध गति में जाने के बाद जीव को वापस नहीं आना है, क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर कर्म चढ़ ही नहीं सकता, समझ में आ गया? हाँ, अब उसके ऊपर कर्म चढ़ ही नहीं सकता, कर्म चढ़ेगा तो वो वापस आएंगे ना। और कभी भी ये शंका मत करना कि सिद्ध गति होगी कि नहीं, क्यों? क्योंकि संसार है तो सिद्ध भी है, अगर संसारी जीव है तो मुक्त जीव भी हुए है और है, जैसे दिन है तो रात है, बराबर, जन्म है तो मृत्यु है। हाँ, वो तो एक सिद्ध जाएगा तो निगोद से बाहर आएगा, लेकिन जीव तो है ना, संसार तो है ही ना, संसार तो है ही, मतलब संसार है तो सिद्ध भी है, ये बात कंफर्म हो गई पहले। संसार है तो सिद्ध भगवान भी है और है, और यहाँ पे ये बताया है कि कर्म उसी को चढ़ेंगे जिसके अंदर तेल होगा, धूल उसको ही लगेगी जिसका शरीर चिकना होगा, बराबर, ये बात तो सही है ना। हाँ, अब अगर मेरे अंदर कर्म लगे हुए हैं तो वो लगे हुए कर्म ही नई कर्मण वर्गणा को ले सकता है। अगर मेरे आत्मा के ऊपर बिल्कुल कर्म ही लगे हुए ना तो मैं कोई नया कर्म नहीं लूंगी, ये बात क्लियर हो गई? कर्म न हो वो सिद्ध हो गए, मतलब क्या हुआ? कर्म वर्गणा को खींचते हैं, ये बात कंफर्म। हम लोग नए कर्म क्यों बांध रहे हैं? क्योंकि अंदर कर्मण वर्गणा पड़ी है, बराबर। तो हमारे अंदर जो कर्मण शरीर है और उसके ऊपर जो कर्म लगे हैं वो निमित्त से जब उदय में कोई कर्म आएगा तो वो कर्म भी नया कर्म बंद करा के जाएगा, नहीं तो वो पुराने कर्म को खत्म करके जाएगा। पर कर्मण वर्गणा कैसे लगती है? अंदर पड़ा है कर्मण शरीर, इसी कारण से लगती है, ये बात तो बराबर समझ में आ गई। जैसे तेल है तो ही धूल लगती है, ये भी क्लियर है? तो अंदर कर्मण शरीर पड़ा है इसीलिए बाहर से कर्मण वर्गणा शरीर ले रहा है, आत्मा ले रही है, ये भी समझ में आ गया? हाँ, बराबर। तो अब हमको कैसा होना है? जो राग द्वेष रूपी जो चिकनाई है ना, चिकनाई तेल, तेल क्या है? हमारे अंदर जो कर्म लग रहा है
तेल और धूल की तो बात समझ में आ रही है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा क्या है जो चिकनाई के रूप में पड़ा हुआ हो? वो है राग और द्वेष, बराबर। राग और द्वेष जो ना हो ना तो कोई कर्म लगे नहीं, कुछ भी हो जाए। हाँ, राग द्वेष है ही मिथ्यात्व का कारण, राग द्वेष ही मिथ्यात्व। आपको नहीं पता है इसलिए तो राग कर रहे हो, राग करने से संसार बढ़ रहा है आपको नहीं मालूम। अगर आपको पता चल जाए कि भाई ये सब अपने अपने कर्मों का खेल है इसीलिए ये मुझे मिला है, तो आप किसी पे गुस्सा करोगे? बताओ, जब आपके कर्म के कारण कुछ हुआ ये मालूम पड़ जाए तो दूसरे पे गुस्सा आएगा, द्वेष नहीं आएगा, बराबर ना? तो आपको अपने पे गुस्सा, अपने से प्रेम और दूसरे पे गुस्सा, ये दोनों चीज को खत्म करना है ना। कोई मुझे गुस्सा करके गया को तो मुझे उस पे गुस्सा आया, क्यों आया? क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ इसीलिए गुस्सा आया। वो कैसे मुझे गलत कह सकता है? समझ में आई बात? ये जो अहंकार है ना वो खुद का राग है, खुद का राग, मेरा अपना राग। कोई मेरा अपमान करके जाए वो मुझसे सहन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा राग है। ये भी समझ में आ रहा है? हाँ, कोई मुझे झूठा बोल के जाए मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, कोई मुझे गाली दे के जाए बर्दाश्त नहीं होता है, बराबर। अब एक बार दो बार नहीं, 20 बार गाली सुन लो, 100 बार सुन लो तो ही आप बिल्कुल न्यूट्रल हो पाए हो, बराबर। हाँ बराबर। हाँ, आपको न्यूट्रल रहना है, बिना राग और बिना द्वेष रहना है। आओ चलो, तो ये तरीके से कर्म आत्मा के ऊपर लगता है। आत्मा में कर्म प्रदेशों का संबंध होता है, क्योंकि ये चिकनाई आत्मा के प्रदेश के ऊपर कर्म लगने के कारण ही राग द्वेष, और यही चिकनाई है जिसके कारण बाहर से कर्म हमारे आत्मा पे आके लगते हैं, ठीक है। तो 8 कर्मों की गुरु महाराज के पास आलोचना करना और आत्मसाक्षी से निंदा और पश्चाताप करना, तो ये 2 करने से ही सुश्रावक ये कर्मों को जल्दी से नष्ट कर देता है। आओ अब आगे, जो व्रतधारी हो, अब सुश्रावक का अर्थ यहाँ बताया, जो व्रतधारी हो, जो शीयर पालन करने वाला हो, जो गुण ग्रहण करने वाला हो, जो माया रहित सरल व्यवहार करने वाला हो, जो गुरु महाराज की सेवा शुश्रूषा करने वाला हो और प्रवचन कुशल हो, गुरु मुख से सुने हुए तत्व सिद्धांत को कहने और समझने में कुशल हो, वही निश्चल रूप में भाव श्रावक जानना है, ठीक है। तो ये 6 गुण वाले भाव श्रावक को ही पाप की आलोचना और निंदा करने के कारण कर्म क्षय होगा। अगर श्रावक के अंदर ये 6 गुण नहीं होंगे तो वो अपने कर्म की आलोचना नहीं कर पाएगा, बराबर। उसके बाद है कैपा वो भी मनुष्यो आलो ये निंदी ये गुरु सगा से, कैपा वो भी मनुष्यो, जिस तरह भार वहन करने वाला बोझा उतार दे, मनुष्य अगर बोझा उतार दे तो वो हल्का हो जाता है। ओहरिय भरुव भार वहो, भार को उतार दे, ठीक है, जो अपने ऊपर से भार को उतार दे तो वो हल्का हो जाता है। तो वैसे ही पाप किया हुआ, कई पाप वो भी मनुष्यो, अगर कोई पाप किया हुआ मनुष्य क्या करेगा तो भार से खाली हो जाएगा। आलो ये निंदी ये गुरु सगा से, हाँ, जो गुरु के पास जाकर स्व निंदा करे, स्व कर्म की निंदा करे और आलो एना ले, तो भार पाप से भार भारी हुआ मनुष्य अगर अपने गुरु के पास जाके इस प्रकार से आलो एना लेगा तो वो होई अही अतिरेग लहु, समझ में आया? तो वो ये अतिरेक
भार से हल्का हो जाएगा, पाप भार से अति हल्का हो जाएगा। ठीक है, पायति यानी कि पुण्य का शोषण, और पाक्षयति यानी कि जीव रूपी वस्त्र को मलिन करे वो पाप। तो ये पा शब्द से पायति या पावो, पावो जो कहे पावो, पा का अर्थ है पाप। पाप की 52 प्रकृति है। आप नव तत्व करोगे तो आपको पता चलेगा पुण्य की 48 प्रकृति है और पाप की 52 प्रकृति, और वो अशुभ कर्म रूप है, सारी की सारी अशुभ कर्म रूप। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण हेतु क्या, कारण हेतु से पाप चढ़ेगा तो कारण हेतु में आएगा हिंसा, असत्य, चोरी, ये सारे तरीके से। आप 18 पाप स्थानक इसलिए उसका नाम दिया गया है। तो ये 18 पाप स्थानकों के कारण पाप कर्म हम बांधते हैं। तो कये पाप वो भी किए हुए पाप, हमारे कये पाप किए हुए पाप, जीव वध आदि पाप वाला मनुष्य, ठीक है। परंतु तिर्यंच देव और नरक के जीव नहीं, ध्यान देना। कये पाप वो भी जो मनुष्य ने पाप किए हैं वो ही आलोचना और निंदा कर सकता है गुरु के पास, तिर्यंच और देव नहीं। तिर्यंच और देव अपने पाप की आलोचना नहीं कर सकते, नारकी भी नहीं कर सकता। समझ में आया? तो देव, तिर्यंच और नरक ये तीन नहीं, सिर्फ जीव वधादि पाप किए हो ऐसा मनुष्य। क्योंकि तिर्यंच देव और नारकी के जीव पाप का प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिक्रमण करने योग्य मनुष्य ही है, और वो ही गुरु महाराज के पास जाके या परमात्मा के पास जाके सम्यक प्रकार से आलोचना करता हुआ, आत्म साक्षी, अपनी आत्मा को साक्षी बनाते हुए वो पाप की निंदा करके पाप के भार से अतिशय हल्का हो जाता है। ठीक है, पाप का क्षय करके वो पाप रहित होता है। बराबर, जैसे भार वाहक मजदूर बोझा उतार देगा तो हल्का हो जाएगा, इसलिए यहां बताया है ओहरिय भरुव भारव हो। ठीक है, भार वाहक मोजा जैसे उतार दे तो हल्का हो गया, ऐसे ही हमने आलोचना ली तो हम पाप से हल्के हो जाएंगे। अब यहां समझो ये बात को कि आपने ये जन्म में पुद्गल ओसराने की क्रिया की तो वो पिछले जन्म के सारे भवों में जो भी पाप आप छोड़ के आए हो, पाप की प्रक्रिया भी छोड़ के चालू रख के आए हो, वो सबसे आपने ओसरा लिया तो आप वो सारे भार से मुक्त हो गए। ये बात समझ में आई? तो पूर्व भव के सारे पाप के बोझे से मुक्त हो गए हो, और अब ये भव में पाप भीरु बनोगे, रोज रोज के पाप की भी आप प्रायश्चित लेते जाओगे, लेते रहोगे, तो फिर मोक्ष दूर नहीं है। बराबर, हाँ हाँ हाँ, अब तो मोक्ष दूर नहीं लगेगा ना। बोलो, अब आपको क्या करना है? तो जो भी, क्योंकि मनुष्य भव में ही ये संभव है, मनुष्य भव में ही ये कर सकते हो। अगले कोई भी तिर्यंच का जन्म बाकी हो या मन, इसीलिए सम्यक दर्शन मनुष्य को ही मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट है वो क्षयोपशमी। तो वो क्या होगा कि अब से आपकी भव गिनती शुरू हो जाएगी। बराबर, जो पहला सम्यक दर्शन है वो मनुष्य को ही मिलता है, प्राणियों को नहीं मिल सकता है। समझ में आया? और किसी भव में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, वो गया आया अलग बात है। चलो, पाप रूपी भार उतारने के बाद सम्यक दृष्टि जीव अति हल्का होता है, क्योंकि पाप भी भार ही है। ठीक है, और आलोचना निंदा गुरु के पास स्वयं भी कर सकता है, पर स्वयं करना उतना आप अपने आप को तो ये नहीं ले सकते ना, प्रायश्चित आपको नहीं पता ना,
आप खुद प्रायश्चित लोगे तो हल्का ही ले लोगे, बराबर। इसीलिए गीतार्थ गुरु के पास जाना है, लेकिन अगीतार्थ गुरु के पास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो हर एक गुरु के पास नहीं जा सकते आप, यहां खास कहा है कि अगीतार्थ गुरु के पास प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। तो आलोचना आदि प्रायश्चित गीतार्थ गुरु महाराज के पास ही जाके करना चाहिए। कुगुरु या अगीतार्थ गुरु के पास अथवा अपने आप प्रायश्चित करने से विशुद्धि नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ वो लक्ष्मणा साध्वी जी का उदाहरण दिया है, अपने आप प्रायश्चित उन्होंने किया, अपने आप किया तो आधा अधूरा किया। ये कहानी है, ये स्टोरी है, वो हम करेंगे फिर सोचेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है प्रायश्चित का उसी पे ये कहानी है कि आप अपने आप करोगे तो खुद को पूरी गलती खुद की मानोगे भी नहीं, मानोगे भी नहीं। तो अगीतार्थ मुनि चरित्र की विशुद्धि नहीं जानते, क्योंकि अगीतार्थ को तो पता ही नहीं है कि विशुद्ध चरित्र क्या होता है। तो अल्प दे देंगे या अधिक दे देंगे या फिर पता ही नहीं और कुछ भी दे देंगे, तो स्वयं को भी आलोचना देने वाले का भी संसार बढ़ाएंगे और स्वयं का भी संसार बढ़ा देंगे। इसीलिए गीतार्थ की निश्रा किए बगैर आपको अपने पाप की शुद्धि के लिए सबके सामने जाना भी नहीं है, ठीक है। कितनी भी घोर तपस्या करो लेकिन आत्मविशुद्धि नहीं होती। अब यहाँ लक्ष्मणा साध्वी जी का दृष्टांत है कि आज से 80वीं 24वीं में, आज से पहले 80वीं 24वीं, आज से पीछे जाओ 80वीं 24वीं, तो 80वीं 24वीं से पहले एक राजा की लक्ष्मणा नाम की अति प्रिय पुत्री थी और विवाह विधि के समय में पूर्व दुष्कर्म के कारण वो विवाह मंडप में ही उसका पति मर गया और वो बाल विधवा विरक्त होकर 24वीं के अंतिम तीर्थंकर के पास उसने दीक्षा ग्रहण की। उस 24वीं की बात है, तो ये 80वीं 24वीं उनकी खत्म हो गई ये बात को। तो एक दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब यहाँ ये देखना है कि विवाह मंडप में पति मर गया है, विवाह की इच्छा से विवाह भी उन्होंने विवाह के लिए मंडप भी सजा था, वो तैयार भी हुए थे, पति मर गए, वो विधवा हो गई, तो पति सुख क्या है, वो सिर्फ मन के ही भाव रह गए, मन के अंदर ही दबे रह गए थे। अब उन्होंने दीक्षा ली हुई है और लक्ष्मणा साध्वी जी एक बार एकांत में बैठी है और स्वाध्याय कर रही है, लेकिन वहाँ पे उसने नर और मादा चिड़िया को देखा। नर और मादा दोनों चिड़िया थी दोनों और मैथुन कर रहे थे दोनों। तो ये देखकर उसके मन में कुविकल्प चिंतन हुआ, क्योंकि उन्होंने भी कभी कभी ये सोचा था कि उनकी शादी होगी या ये होगा, कुछ सपने या कुछ विचार उन्होंने भी किए होंगे, तो मन में उनको कुविकल्प भी जागा, या फिर ये जो उन लोगों की चेष्टा देखे खुद का भी मन विचलित हुआ और भोग करने की इच्छा हुई और वो चिंतन करने लगे कि ये मैंने कुविकल्प, उन्होंने ये चिंतन भी कर लिया। फिर उनको लगा कि ये चिंतन करना गलत है तो अब इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो वो भगवान के पास गए। अरिहंत भगवान ने इस बात की आज्ञा क्यों नहीं दी, उन्होंने ये सोचा कि परमात्मा ने इस बात की आज्ञा क्यों नहीं दी कि आप दीक्षा लेना चाहे आप लो, लेकिन साथ में भोग भी करो। भगवान स्वयं अवेदी है, देखो वो क्या सोच रहे, देखो वो उन्होंने खाली भोग नहीं सोचा है, उन्होंने कुछ और सोचा है। उन्होंने क्या सोचा, ऐसे ही उनको देखकर भोग का मन हो जाए तो वो कुविकल्प चिंतन ही हुआ है और कुछ ज्यादा दोष नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने तो ये सोचा कि अरे ये चीज इतनी अच्छी है, इतना आनंद दे रही है, तो भगवान ने हमें मैथुन करने की छूट क्यों नहीं दी, इसकी आज्ञा क्यों नहीं दी। भगवान तो अवेदी है, उनको तो मन नहीं करेगा इस, परंतु संवेदी संसारी जीवों के दुखों को भगवान क्या जाने, ऐसा उन्होंने सोच लिया और ऐसा दुर्ध्यान कर लिया। और ये दुर्ध्यान का चिंतन करते हुए क्षण मात्र में ही वो फिर दूसरे मिनट में उनको पश्चाताप हो गया कि अरे मैंने ये क्या सोच लिया, अब मैं इसकी आलोचना कैसे करूं। उनको लगा दूसरे ही मिनट में कि ये गलत हो गया, तो वो अपने गुरु के पास जाकर ऐसा बोले तो उसमें उनको शर्म आई, और आलोचना बिना आत्मशुद्धि नहीं होगी ये भी उनको पता था। तो आलोचना तो लेनी है लेकिन पूरी बात बता के नहीं लेनी है। तो वो अपने गुरु के पास गए और जाकर पूछा कि ऐसा इस प्रकार का कोई दुर्ध्यान करे कि भाई ये संभोग की छूट, मैथुन की छूट
अब भगवान ने हमको क्यों नहीं दी, भगवान को मन नहीं होगा, बाकी को तो मन होगा कि नहीं। तो ऐसा अगर कोई और सोचे, अगर कोई और सोचे तो उसको प्रायश्चित क्या आएगा। अब उनको प्रायश्चित लेना है, अपनी गलती बतानी नहीं थी उनको, सिर्फ प्रायश्चित लेना था। मैंने ऐसा चिंतन किया, वो बताने नहीं चाहते थे। इस प्रकार से दूसरे के नाम से उन्होंने पूछा और 50 वर्ष तक तीव्र तप का प्रायश्चित किया। मतलब उनको 50 वर्ष तक तीव्र तप का प्रायश्चित आया, क्योंकि ये बहुत अशुभ चिंतन था, बहुत ही अशुभ चिंतन था। परमात्मा ने इस चीज़ की छूट देनी चाहिए। परमात्मा को मन नहीं होता है, लेकिन दूसरे को मन हो तो क्या करे, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। तो ये बड़ी बात गलती थी। 50 वर्ष तक उनको तीव्र तप का प्रायश्चित आया और वो तब भी कैसा, तो 2, 3, 4, 5 उपवास, सबके पारणा है, 2 उपवास पारणा, 3 उपवास पारणा, 4 उपवास पारणा, 5 उपवास पारणा। इस प्रकार से पारणे में भी निवी और इस प्रकार से 10 वर्ष तक तप, 2 वर्ष उपवास पारणा, 2 वर्ष ऐसा कि 1 उपवास पारणा, 1 उपवास पारणा, उसके बाद 2 वर्ष तक भुने चने का ही आहार एकाश्रय में, नीवी में। उसके बाद आया 16 साल तक मांस खमण, 16 साल तक खाली मांस खमण। उसके बाद 20 वर्ष तक आयम बिल तप। तो इस तरह 50 वर्ष तक ये कठोर तप किया, लेकिन फिर भी आत्मशुद्धि नहीं हुई, क्योंकि आत्मशुद्धि के मूल में ही झूठ था। समझ में आया, मिथ्यात्व था। झूठ का मतलब मिथ्यात्व, आप सही बात ना बताओ वो हो गया मिथ्यात्व। जब मूल में ही मिथ्यात्व पड़ा हो तो क्या आपके ये कोई भी प्रायश्चित से शुद्धि हो पाएगी, बताओ। तो इस प्रकार से उन्होंने ये आत्मविशुद्धि नहीं हुई और ये उनका इतना घोर पाप था कि 80-24 तक, कितने हैसी चौबीसी, हैसी चौबीसी तक असंख्य भव उन्होंने बढ़ा दिए। हैसी चौबीसी बढ़ा, हैसी चौबीसी मतलब कितना वर्ष हो गया आप सोच सकते हो। तो असंख्य भवों में भी महादुख भोग कर आने वाली चौबीसी में, अब वो आने वाली चौबीसी के पहले तीर्थंकर पद्मनाभ प्रभु के तीर्थ में सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। तब वो वही चीज का फिर से अब तो प्रायश्चित लेंगे और सिद्ध गति पाएंगे। तो कोई असशल्य, यानी कि शल्य सहित, शल्य का अर्थ है झूठ, गलत, कपट सहित, माया सहित, घोर अति घोर तप करे, पराक्रम पूर्वक 1000 दिव्य देवताई वर्ष तक करे, उसका भी तप निष्फल जाता है। समझ में आया। अब ये लक्ष्मणा साध्वी जी को इतना 50 वर्ष तक तप किया, और तप के रूप में देवलोक मिला, देव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, 84-24 तक तो असंख्य भव हुए होते हैं, होते कि नहीं होते बोलो। बार बार तो देवलोक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्य का उदय कितने तक मिलेगा। ठीक है। तो जैसे कोई वैद्य स्वयं कुशल हो, अपनी व्याधि अन्य वैद्य को कहता है, तो भी अब यहाँ ये देखना है कि अगर कोई डॉक्टर होगा ना, तो खुद का इलाज वो नहीं करेगा, डॉक्टर होने के बावजूद वो किसी और वैद्य डॉक्टर के पास ही जाएगा, और जाना ही चाहिए। एक डॉक्टर को अपना इलाज खुद नहीं करना चाहिए, बराबर, उसको अपना इलाज किसी और से ही कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद कभी भी हम अपनी गलती को बड़ी मानेंगे ही नहीं, कारण यही है, इंसान अपनी गलती को कभी भी बड़ी नहीं मानेगा। जब से व्रत स्वीकार किया, तब से अखंडित चारित्रवान और गीतार्थ साधु के पास सम्यकत्व ग्रहण व्रत करना, जब भी आप व्रत करोगे, जब से करोगे तब, तो गीतार्थ साधु के पास ही करोगे, अखंडित चारित्रवान रहोगे। आपने अपने व्रत की कहीं से भी खंडना विराधना नहीं करनी, और गीतार्थ साधु के पास ही सम्यकत्व व्रत ग्रहण करोगे।
अपने विशुद्धि के प्रायश्चित ग्रहण करना ही करना होता है। ठीक है, शल्य उद्धार उसको वो कहा जाता है। शल्य को, शल्य उद्धार का मतलब जो आपके अंदर जो राग द्वेष की जो ग्रंथि घुसी हुई है, कांटा घुसा हुआ है, वो कांटा निकाल के प्रायश्चित रूपी उद्धार करना है। ऐसे गीतार्थ गुरु की खोज 700 योजन तक और 12 वर्ष तक करनी चाहिए। ठीक है, 12 वर्ष तक करनी चाहिए, 700 योजन तक करनी चाहिए। प्रायश्चित ग्रहण करने में श्रेष्ठ परिणाम वाले जीव गुरु महाराज के पास जाते जाते शायद अगर वो बीच में मर भी गए तो भी वो आराधक ही कहलाते हैं, क्योंकि अंदर तो उनको प्रायश्चित की इच्छा पड़ी ही होती है। लज्जा आदि के कारण से अथवा मैं बहुत ज्ञानवान हूँ इस प्रकार के अभिमान से अपना दुष्चरित्र गुरु के आगे नहीं कहता हो तो वो साधु को आराधक नहीं कहा गया है। जैसे बालक माता आदि के सामने सरलता या अकार्य कार्य सब कह देता है, इसी तरह से गर्व को छोड़ के साधु को भी अपने गुरु के पास सब कुछ पापाचरण स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से कड़वे विपाक हुए हो उस विपाक को कहने वाले शास्त्र वचन से चित्त को वैराग्य वाला बनाकर ही गुरु के पास आलोचना लेनी चाहिए। माया कपट आदि दोषों से रहित होना चाहिए। कोई भी माया कोई भी कपट आपको प्रायश्चित लेने में नहीं करना, नहीं तो लक्ष्मणा साध्वी की तरह 80-24 ही बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, पुनः ऐसा आकार्य ना करें ऐसे निश्चय को ही आलोचना कही जाती है। राजा का मात्सिक नामक और अट्टन का लाया हुआ फल। दो पहलवान थे, दोनों की कुश्ती होती थी, नई नई चोट लगती थी। उसमें मात्सिक मल अपना दर्द जखम की व्यथा यथार्थ नहीं कहता था, मतलब वो झूठ, आधा झूठ बोलता था, तो ये कारण से वो पूरा जखम नहीं बताता था, तो इसलिए उसमें उसका रोग बढ़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा था वो हल्लम फल हिमल, वो अपना जखम यथार्थ बताता था। अगर जखम यथार्थ बताओगे तो आपको उसकी दवा भी यथार्थ होगी, तो उसके कारण से उसके गुरु उसको उपाय भी बताते थे और वो विजय भी बना और सम्मान भी प्राप्त किया। मतलब ये हो गया कि कभी भी कोई भी बात को आधी अधूरी छोड़नी नहीं चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, बस ये आदत ही नहीं लगानी चाहिए। जो भी सच है वो सच बता दो, टोटल टोटल बिल्कुल सच बता दो, कुछ नहीं होना है। पर ये सच सदगुरु के समक्ष ही बताना है, सबके सामने नहीं, तो ये भवरोग मिट जाए ऐसी ही आलोचना वो गुरु भी करेगा। ठीक है, आओ, अगर रोग आदि की स्थिति में गुरु महाराज का योग आपको ना मिला तो सिद्ध आदि की साक्षी में भी आलोचना करने से विशुद्धि हो जाएगी। चेड़ा महाराजा और कौणिक, अच्छा ऐसा लगे कि मुझे कोई ऐसे गुरु गीतार्थ गुरु नहीं मिल रहे, तो आप भगवान को साक्षी रख के भगवान के सामने अपना प्रायश्चित कर दो, बस सिद्ध भगवंत और अरियन परमात्मा बराबर। चेड़ा राजा और कौणिक, मतलब ये दोनों बाप, चेड़ा राजा और कौणिक तो दादा पोत्र है, और रथ मुशल संग्राम के अंदर जर्जरित बना हुआ वरुण श्रावक, और उसने गुरु के अभाव में सिद्धादि की साक्षी से आलोचना ले ली तो वो समय वो काल करके सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ और वहां से एक ही भव में वो मोक्ष जाएगा। समझ में आया, क्योंकि रथ संग्राम में वो घायल हुआ था, अब घायल हुआ था जर्जरित हो चुका था, उसको आलोचना लेनी थी, पूरे अपने भव में किए हुए पाप का प्रायश्चित करना था, तो उसको कोई नहीं मिला, तो सिद्ध भगवान को साक्षी रखकर उसने आलोचना कर ली और अपने सारे पाप की कबूलत कर ली, तो वो समय से लेकर उसके बाद वो एक ही भव उसको अब हुआ है देवलोक में, अब उसके बाद दूसरे ही भव में वो मोक्ष जाएगा। तो आप इस तरह से सिद्ध भगवान को साक्षी रख के भी अपनी आलोचना दे सकते हो।
ठीक है, इस तरह से शुद्धि करने से क्या होता है? तो यहाँ ये बताया है कि पाप भार दूर होने से अत्यंत हल्का होता है। आप चाहे ऐसे भी प्रायश्चित लो, ठीक है, गुरु के सामने नहीं कह सकते, गुरु आपको योग्य नहीं लग रहे हैं या फिर यथा योग्य नहीं लग रहे हैं, तो आप सिद्ध भगवान को साक्षी रख के भी प्रायश्चित लो। ये सिद्ध भगवान तो साक्षात है, वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे, पर पाप भार दूर होने से आप अत्यंत हल्के हो ही जाओगे। तो प्रायश्चित करने से तो पाप भार हल्का होगा ही होगा, ठीक है। इससे गुण प्राप्त होते हैं, आत्मा को गुण मिलते हैं। आत्मा को कौन से गुण मिलते हैं? आलोचना करने से, पाप से आत्मा हल्की हो जाती है, फिर मन में आनंद की उत्पत्ति होती है, मतलब मन प्रसन्न हो जाता है, स्व पर का विवेक जागृत होता है। देखो एक बात ध्यान दो, आपने अपने मन की बात जब भी किसी को बताई तो समझ लेना, अंदर पड़ी हुई बरसों बड़ी बात अगर कोई किसी को आप बताओगे योग्य व्यक्ति को, तो आप बिल्कुल हल्के हो जाओ, बिल्कुल भार मुक्त हो जाओ, क्योंकि अंदर पड़ी, अंदर इकट्ठी की हुई, मन में भरी हुई बात ही आपको तकलीफ देगी, बस बहुत तकलीफ देगी, ठीक है। उसके बाद स्व पर का विवेक जागृत होता है, जीवन में सरलता आती है। अब आपको हर जगह पे सरलता आएगी, अब कोई बात छुपाने की, अब आपने अपनी सबसे बड़ी वीकनेस बता दी, आपने अपनी सबसे बड़ी गलतियां बता दी, तो अब तो आप बिल्कुल हल्के हो ही जाए, आप तो सरल हो गए, आपका जीवन सरल हो गया, पाप की भी शुद्धि हो गई, पाप भी शुद्ध हो गया, आप पाप से मुक्त हो गए। अब इतनी बड़ी पाप नहीं करेंगे, करोगे तो दूसरे को बताना पड़ेगा, तो आप करोगे ही नहीं, आप यही सोचोगे कि दूसरे को बताऊं, प्रायश्चित करूं, उससे तो अच्छा है कि मैं इतनी बड़ी गलती करूं ही ना। दुष्कर करने योग्य, दुष्कर करने योग्य बनोगे, मतलब आप ऐसे ऐसे हल्के आपकी आत्मा हो जाएगी कि बड़ा से बड़ा दुष्कर कार्य भी करने के योग्य आप बन जाओगे। बोलो अब इससे बड़ी बात आपको क्या चाहिए, बताओ। जितना मन हल्का होगा, जितना पाप से आपकी आत्मा हल्की होगी, उतने आपके दुष्कर से दुष्कर कर्म करना आपके लिए साध्य हो जाएगा, आज्ञा पालन भी साध्य हो जाएगी। अब आज्ञा पालन आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि बड़ी आज्ञा का आपने पालन कर लिया प्रायश्चित का। फिर शल्य रहित अवस्था, तो अंदर से मन से भरे हुए सारे शल्यों को निकाल दो, बस सारे शल्य को निकाल दो, जहां मन चाहे निकालो, सिद्ध भगवान के पास निकालो, अरिहंत भगवान के पास निकालो, अगर कोई व्यक्ति मिले लगे कि योग्य है तो उसके पास निकाल दो। ये 8 मुख्य गुण आपको मिलेंगे। और लक्ष्मणा साध्वी जी के समान मास श्रमण आदि तपस्या करना सुलभ है, यहां ध्यान देना। लक्ष्मणा साध्वी जी ने 50 वर्ष तक तपस्या की, तपस्या इजी है, लेकिन पाप को जताना या खुद के पाप किसी को बताना सबसे ज्यादा मुश्किल है। किए पाप कर्मों को स्वीकार करना, सम्यक प्रकार से आलोचना लेकर आत्मा को शल्य रहित करना, पाप रहित करना, ये सबसे अतीव मुश्किल कार्य है। ये कारण से आलोचना को अभ्यंतर तप में गिना गया है। तम न दुक्कर जम पड़ी से विजयी, तम दुक्करम जसम आलोई जयी, यानी कि पाप का आचरण करना वो दुष्कर नहीं है, पाप करना दुष्कर नहीं है, परंतु पाप कर्म हो जाने के बाद प्रायश्चित लेना या आलोचना करना अतीव दुष्कर है। प्रायश्चित लेना होगा तो किसी को बताना पड़ेगा, तो आलोचना करना ही, दूसरे को बताना ही सबसे ज्यादा दुष्कर है। बराबर, ये शल्य की बात है,
जो आत्मा पाप करने के पश्चात आलोचना लेकर शल्य रहित नहीं होता, उस आत्मा को वो पाप रूप शल्य, क्योंकि अंदर पड़ा हुआ कांटा, अब ध्यान दो, अगर पैर में कांटा लगा और आपने वो कांटा नहीं निकाला तो क्या होगा बताओ? शरीर में कांटा लगा है, नहीं निकालोगे तो क्या होगा? सेफ्टिक होगा कि नहीं? धीरे धीरे जहर बढ़ेगा ना, सेफ्टिक हो जाएगा। तो बराबर इसी तरह से अगर आत्मा पाप कर्म का प्रायश्चित नहीं करेगी तो समझ सकते हो ना आपकी कितनी तकलीफ होगी, बोलो। अंदर पड़ा हुआ एक भी पाप, छोटा सा भी या बड़ा सा भी, कोई भी पाप, जितने पाप इकट्ठे अंदर ही पड़े रहेंगे ना, उतना आपका आत्मा का भार शल्य शल्य अंदर पित्त बोलोगे आप उसको, पित्त बोलोगे, पित्त का मतलब जो पस होता है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। समझ में आया? ये रोग है, ये पस है, ये पीत है, ये बढ़ना नहीं चाहिए, ये महा अनर्थकारी होता है। भाव शल्य आत्मा का जितना अहित करता है उतना अहित कोई भी शस्त्र, जहर, उन्मादी वैताल यंत्र अथवा सर्प भी नहीं करता। इतना ध्यान दीजिए आप, जितना अहित आप अपने पाप को मन में आत्मा के ऊपर भार की तरह रखते रख के अगर आपका अहित कर रहे हो ना, उतना तो बाहर वाली व्यक्ति आपका अहित नहीं कर सकता, फिर वो चाहे भूत प्रेत वैताल ही क्यों ना हो, वो भी आपका उतना अहित नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाव शल्य का उद्धार करना है, उसको खत्म करना है, और पाप कर्म का सेवन हो जाए उसके बाद पश्चाताप पूर्वक उसकी आलोचना करनी है। क्योंकि भाव शल्य के कारण बोधि बीज दुर्लभ, आपको बोधि बीज नहीं मिल सकता। जितने अंदर ऐसे पित रूपी भाव शल्य इकट्ठे हो गए, पाप इकट्ठे हो गए, भाव शल्य मतलब मन में डंक। अभी भी समझ में आ रहा है भाव शल्य का मतलब क्या? किसी के लिए मन में डंक, किसी के लिए होती मन में गुस्सा, किसी के भी लिए मन में पड़ा हुआ राग या मन में पड़ा हुआ द्वेष, ये है भाव शल्य। किसी के लिए गुस्सा पड़ा है तो है भावशल्य, किसी के लिए नफरत पड़ी है तो भावशल्य। अगर इसका इलाज नहीं किया तो बोधि बीज दुर्लभ, इतना समझना है बस, आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा, आप मुक्त नहीं हो पाओगे और अनंत संसार प्राप्त होगा। क्योंकि आप मुक्त, आप मन में जितने भरे हैं उतनी उतनी जगह तो जन्म लेना ही लेना है, उसमें से भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप 10 गुना भरोगे, आप 20 गुना और भरते जाओगे। भरोगे कि नहीं भरोगे बताओ? अब तक हमने यही किया है, आज तक हम लोगों ने यही काम किया है, इसीलिए आज भी भटक रहे हैं, है कि नहीं? चलो, आर्द्र कुमार और इलायची कुमार, आर्द्र कुमार राजकुपुत्र थे और इलायची कुमार नट थे, नट को नृत्य कराया और वो राजा सोच रहे, आर्द्र कुमार सोच रहे हैं कि ये कब नीचे गिरे, और आर्द्र कुमार नहीं पर जो राजा था वो इलायची कुमार को जो नाच नचा रहे थे, उसको भी वो इलायची कुमार की जो उसको जिससे जो शादी करनी थी वो लड़की अच्छी लग गई थी, अच्छी लग गई, तो वो सोच रहा है इलायची कुमार मर जाए तो ये कन्या को मैं ले लूं, ये मन में यही सोच रहा है। तो अल्प भाव शल्य का भी उद्धार नहीं किया इलायची कुमार ने, और जब उसको नट पे डोरी पे चढ़ते चढ़ते उसको केवल ज्ञान हुआ है, बोलो, जब उसने सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक ये लड़की के लिए मैं मेरे भाव, मेरी जिंदगी में सब दाव पे लगा रहा हूँ और ये राजा भी मुझे जल्दी से इनाम नहीं दे रहा है, तो इलायची कुमार का जो आलोचना, उन्होंने अल्प भाव शल्य का उद्धार नहीं किया और आलोचना नहीं ली, इसीलिए यह अल्प भाव शल्य से भी कड़वा विपाक उनको भोगना पड़ा। ठीक है, तो बहुत पाप करने वाले आत्मा आलोचना देकर भाव शल्य को दूर ना करे तो उसकी आत्मा की क्या दशा हो सकती है, आप समझ सकते हो।
पूर्व भव में आर्द्र कुमार और इलाची कुमार दोनों ने, दोनों के आत्मा ने चारित्र स्वीकार किया था, पूर्व भव में भी किया था। हम नहीं जानते ये बात को, हमको ये नहीं पता है इलाची कुमार का पूर्व भव क्या है, लेकिन उन्होंने यहाँ लिखा है कि उन्होंने पूर्व भव में भी चारित्र स्वीकार किया था। उसके बाद अपनी दीक्षित पत्नी साध्वी की और सराग दृष्टि से उसको देखा था, अपनी ही पत्नी थी वो, दोनों पति पत्नी ने दीक्षा ली थी, पर दीक्षा के बाद भी वो अपनी पत्नी को सराग की दृष्टि से ही देखते थे। और ये पाप की शुद्धि के लिए उन्होंने आलोचना नहीं ली थी। आज अगर पति पत्नी दोनों दीक्षा ले रहे हैं और दोनों एक दूसरे को राग की दृष्टि से ही देखे और बात करेंगे दीक्षा लेने के बाद भी, तो इसकी तो आलोचना बहुत बड़ी आएगी, आएगी कि नहीं बोलो? जब तक मन में से राग नहीं गया है आपको दीक्षा ही नहीं लेनी है पति पत्नी को, पहले राग को खत्म करना चाहिए था। और राग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कर्म खत्म नहीं होगा, ये तो बड़ी बात है। आपके कहने पर से राग खत्म नहीं होता है, इससे आर्द्र कुमार को धर्म की प्राप्ति नहीं हुई और अनार्य देश में जन्म लेना पड़ा। और ये और इलाची को पुत्र को नीच नटकुल में जन्म लेना पड़ा, तो कड़वे फल भोगने पड़े थे ऐसे। तो इस कारण से आत्मकल्याण के अभिलाषी प्रत्येक भव्य आत्मा को भावशल्य जरूर दूर करना है, ठीक है? तो इलाची कुमार और आर्द्र कुमार दोनों, दोनों की बात यहाँ लिखी है कि दोनों ने अपने पूर्व भव में जो मन में शल्य बैठा था उसको दूर नहीं किया था। इलाची कुमार ने अपने अपनी ही पत्नी के साथ दीक्षा लेने के बाद अपनी ही पत्नी को, दीक्षा ली हुई साध्वी को सराग से ही देखा था, और यही कारण था कि वो भव भी उनका ये तकलीफ हुई और इलाची कुमार के भव में भी जब अंदर से शल्य निकला तब उनका मोक्ष हुआ, केवल हुआ, तब तक नहीं हो पाए। आओ पापी आत्मा भी ज्ञान दशा से जागृत हो जाए और अपने कुकर्मों का अत्यंत पश्चाताप उसको हो जाए तो उसको भी गीतार्थ गुरुदेव के पास यथार्थ आलोचना लेकर चारित्र अंगीकार करना चाहिए, ठीक है? और कर्मों का नाश करके उसी भव में सिद्ध पद वो प्राप्त कर लेगा। तो राजा चंद्रशेखर जैसे भी राजा की भी यहाँ ऐसी ही शुक्राज की कथानक ऐसी ही बात है, और वहाँ भी गुरु महाराज की दी हुई आलोचना के कारण अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से उन्होंने आलोचना पूरी की और वो मोक्ष चले गए। सिद्धांत रहस्य के जानकार महर्षियों ने उचित प्रायश्चित कर देने की भावना और अब वापस ऐसे दोष ना लगे ऐसी जागृति कराने की भी उन अपने सिद्धांत महोदधि महर्षि यानी कि गुरुदेवों की ये शिक्षा होती है, और वही आत्मा आलोचना लेने का अधिकारी होता है। आलोचना देने के लिए भी ऐसे ही सिद्धांत महोदधि गुरु चाहिए, और आलोचना लेने वाला भी ऐसा होना चाहिए कि मैं आलोचना आज ले तो रहा हूँ लेकिन दोबारा ये गलती नहीं होगी। गुरु महाराज शिष्य समुदाय के कल्याण के लिए याक्षिक पाक्षिक यानी कि 15 दिन में चातुर्मासिक दिन में अवश्य में आलोचना देनी चाहिए पूरे शिष्य समुदाय को, मतलब कि हर एक चौमासे में आलोचना आती ही आती है। आपको चातुर्मास के टाइम पे कहाँ कहीं पर भी पुद्गल वोसराने की क्रिया हो जाए तो ये लेकर आलोचना भी कर लेनी चाहिए कि आपने क्या क्या पाप आपसे हुए हैं। पूर्व में ग्रहण किए अभिग्रहों को जानकर शिष्यों को अन्य अभिग्रह भी देना चाहिए। आओ अवश्येण येण, मतलब कि जब भी आवश्यक पड़े, जब भी पाप श्रावक कभी बहुत पापमय रजमय बन गया हो तो जब भी आवश्यक पड़े साव ओ जैवी श्रावक को जैवी बहुरो होई, जब भी बहुत पाप बहुत रज पाप की रज इकट्ठी हो गई हो तो दुखान मन दुखानम अंत क्रियम अंत क्रिया रूप दुख की अंतिम क्रिया रूप प्रतिक्रमणादि आवश्यक काही अचिरेण कालेण, काही अचिरेण
थोड़े समय के लिए भी, थोड़े काल के लिए भी उस दुखमय पाप का और दुखों, पाप रूप दुखों का वो नाश कर देगा। समझ में आया कि ऐसे जब भी ये श्रावक बहुत रजमय हो जाए तो उसको तुरंत प्रतिक्रमण या आलोचना लेकर अपने सर्व पापों के दुखों को नाश कर देगा, करना चाहिए, और वो कर भी देगा, प्रतिक्रमण के द्वारा वो कर भी देगा और मोक्ष भी जाएगा। श्रावक बहुत कर्मों का बंधन करने में, अनेक प्रकार के सावध्य आरंभ में लिप्त हो गया हो तो उसको अवश्य करने योग्य छह आवश्यक, समझ में आया, छह आवश्यक अवश्य करने योग्य है। पहला है सामायिक, दूसरा है चतुर्विंशति स्तव। सामायिक जानते हैं हम कि कैसे अड़ता है, दो घड़ी का होता है। चतुर्विंशति स्तव मतलब कि परमात्मा की भक्ति जो आप चैत्य वंदन में करते हो। उसके बाद है वंदन, जो भी वंदन आया चतुर्विंशति स्तव तो परमात्मा की स्तुति आदि है। वंदन में आप जाओगे, पूजा और सब जो भी विधि आएगी वो सारे परमात्मा की वंदन की पूजा होती है, वो वंदन होता है। उसके बाद प्रतिक्रमण आएगा, फिर कायोत्सर्ग आएगा। कायोत्सर्ग में ध्यान आता है, कायोत्सर्ग में कौशग आता है, कायोत्सर्ग में तप भी आ जाता है, और पचखंड, पचखंड में भी तप और ये आ गया, नहीं कर पाए तो चोव्यार और ये सब आएगा। तो ये छह चीज आवश्यक रूप शरीर और मन संबंधी सभी प्रकार के दुखों को अल्प करने वाली है, इसलिए इसको आवश्यक कहा है, आवश्यक अवश्य करने वाली क्रिया। तो अवश्य करने योग कर्म श्रावक के दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य आवश्यक, दूसरा भाव आवश्यक। तो द्रव्य आवश्यक में जैसे कि नौकारसी करना, स्नान करना, पूजा करना, ये सब द्रव्य आवश्यक हो गया, और सामायिक आदि जो छह आवश्यक है वो भाव आवश्यक हो गए। ठीक है, अगर आसक्ति पूर्वक सेवन हो गया ये सबका तो संसार वृद्धि का कारण। आसक्ति पूर्वक सेवन का मतलब क्या हुआ कि आपने तप कर लिया, सामायिक कर लिया, और कोई प्रॉब्लम आया तो ये मांग लिया कि अरे भाई मैंने इतने सामायिक किए अब तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना ही चाहिए। मतलब आपने जितने भी सामायिक किए हैं उसके बदले ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग लिया है, बराबर। मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं यहाँ जाके यात्रा करके आऊंगी, तो ये काम के बदले में आपने यात्रा का फल दे दिया, आपने जो यात्रा की उसका फल ये काम को दे दिया। तो ये आसक्ति पूर्वक सेवन हुआ तो ये संसार की वृद्धि कराएगा, ये कुछ नहीं कराएगा। जब भाव आवश्यक सामायिक आदि त्रिकरण शुद्धि रूप किया जाए तो ये बहुत से सावध्य पाप व्यापार से उपार्जन किए कर्मों को शीघ्र नाश कर देता है, शीघ्र नाश, तो जो और मुक्ति पद दे देता है, जो कि कर्मक्षय होने के साथ मोक्ष प्राप्ति का भी अनंतर शीघ्र कारण यथाख्यात चारित्र है। यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति के बिना सर्व कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। फिर भी भाव आवश्यक की आराधना परंपरा से सफल कर्मों का क्षय होने का जरूर कारण होता है। ठीक है, भाव आवश्यक आदि भी जरूरी है लेकिन यथाख्यात चारित्र बहुत जरूरी है। श्रावक के यदि समय पर चारित्र की भावना समान भाव आवश्यक की आराधना में अति अभ्यासी बन जाता है तो उस समय श्रावक जीवन में भाव से सर्ववीरती चारित्र उसका आत्म साक्षात्कार वो करता है और वह यथाख्यात चारित्र की हद तक पहुंचकर कर्म का क्षय करके मोक्ष सुख प्राप्त करता है। भाव सामायिक से भी आप यथाख्यात चारित्र कर सकते हो, मतलब कि वो कर्म, यथाख्यात चारित्र का अर्थ ये हुआ कि वो कर्म क्षय तक आप उसी क्रिया में बराबर जुड़े रहो और वो कर्म का क्षय कराओ। सामायिक आदि भावाश्यक की आराधना से ही कोई शुभ आलंबन से उत्पन्न हुई भाव विशुद्धि होती है। उसी कारण से भरत चक्रवर्ती आदि भी गृहस्थपणा में केवल ज्ञानी हो गए। अब समझ में आया भाव आवश्यक और यथाख्यात चारित्र भरत राजा ने को कैसे मिला। भरत राजा ने अंगूठी गिरने के कारण वैराग्य सूचक जो विचार किया वही पे ही उनके कर्म का क्षय हो गया और ये कर्म का क्षय होने के कारण
उनका यथाख्यात चारित्र मजबूत हो गया। बराबर बात समझ में आई? तो ये है यथाख्यात चारित्र का फल। सामायिक आदि पद मात्रादि का अनंता सिद्ध। सामायिक आदि एक एक पद मात्र को आराधना करके अनंत जीवात्मा मोक्ष गए हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति, यहाँ पे मोक्ष की साधना के लिए क्या जरूरी है वो बताया है। बहुत ही महत्व का मुद्दा है ये। आलोयना, सिर्फ आलोयना के लिए है ये पूरा टॉपिक, कि जिन शासन में मोक्ष की साधना के लिए असंख्य योग बताया है और वो योग में से एक योग की आराधना, एक एक योग की आराधना करके दुखों का क्षय करने के साथ केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले अनंत आत्माएं हुए हैं। समझ में आया? तो बहुत सारे असंख्य योग है मोक्ष की साधना के लिए। उनमें से मन वचन काया की प्रवृत्तियां अति सूक्ष्म, जो ख्याल में भी ना आए इस तरह से होती है। हमारे जो मन योग, वचन योग, काय योग, ये तीन योग अति सूक्ष्म, हमको पता भी नहीं चलता कि हमने कब ये सोच लिया या ये काम कर लिया। और इंद्रिय रूपी घोड़े, मतलब इंद्रिय सारी अति चपल होती है, तो ये कारण से जीव अत्यंत प्रमाद बहुलता होने से आलोचना प्रतिक्रमण के समय कितने भी अतिचार लगे या कुछ याद आ जाए, और कुछ तो उपयोग की शून्यता के कारण याद भी ना आए, और आलोचना तो अन्य प्रत्येक अतिचारों की करनी चाहिए। हमको कभी प्रतिक्रमण में भी नींद आ जाए या याद ना रहे कि हम क्या करें, इसीलिए हमको वीर परमात्मा ने ये कहा है कि पायत चित्तस ठाणाई, यानी कि पाप के स्थान असंख्यात है गौतम, पाप के स्थान असंख्यात है, और उनमें से एक की भी आलोचना लेना रह जाए तो वो शल्य मन के अंदर रहेगा ही रहेगा, तो वो शल्य सहित मृत्यु से ही मरता है। आपको नहीं पता, पाप के स्थान ही बहुत है, उसके संस्थान ही बहुत, उसमें से अगर एक की भी आलोचना करनी रह गई, आपने मन के अंदर एक भी शल्य बाकी रखा और आप मर गए, तो ये शल्य सहित ही मृत्यु होगी। ये कारण से जो अतिचार याद न आए हो उसकी भी आलोचना करनी। तो परमात्मा ने हमारे वंदितु में बहुत अच्छी हमारे लिए सगवट कर दी है कि आपको याद भी नहीं है कि चलो कौन सा अतिचार हुआ है, तो आपको ये गाथा बोलना है, आलोयना बहुवी हो, आलोयना बहुविया नय संभरिया परिक्रमण काले मूल गुण उत्तर गुणे तन निंदे तंच गरियामी। मतलब ये हो गया कि मूल गुण और उत्तर गुण के विषय में लगे हुए अतिचार की आलोचना, मूल गुण के आलोचना मुझे पता है, उत्तर गुण की आलोचना पता है, लेकिन वो अतिचारों की बहुत सारी आलोचना बहुत प्रकार की होने से, आलोचना बहु भी हो बहुत विविध प्रकार की होने से, नय संभरिया प्रतिक्रमण के समय अगर मुझे ना याद आई, अगर मुझे नहीं पता चला हो, ऐसी भी अगर कोई आलोचना होगी तो मैं उसका मिच्छामि दुक्कड़म कर रहा हूँ। आप सोचो परमात्मा ने हमारे लिए कितनी आसान कर दिया प्रतिक्रमण में ये सूत्रों रटने के बाद। आलोयना बहुविया नय संभरिया परिक्रमण काले, अगर प्रतिक्रमण के काल में अगर मुझे न भी याद आए ना, तो वो सारी आलोयना जो मुझे नहीं याद और जो मुझसे हुई होगी उसका भी मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। समझ में आ गया? जो भी अब यहाँ एक मुद्दा, हाँ प्रतिक्रमण तो रोज करवू जोइए, और दूसरा ये भी है कि आपके मन के अंदर कोई भी शल्य रहना भी नहीं चाहिए, ये सबसे महत्व की बात। आप कितने भी शल्य मन में रखते जाओ और प्रतिक्रमण करते जाओ तो उसका भी कोई मतलब नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका मन शल्य रहित रहना चाहिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। प्रतिक्रमण नहीं करवाना, मैं हूँ यह शब्द नहीं बोली बेन, ये तो क्रिया छे, तो भाव प्रतिक्रमण, अरे भाव भाव
જે એક વસ્તુ સમજાવું, વલકલચીરી જે અન્ય લિંગ થી સાધુ ગયા છે એમણે કઈ પ્રતિક્રમણ નથી કર્યા. ભાવ પ્રતિક્રમણ જરૂરી છે, વાત સમજ હજી પણ. ભાવ પ્રતિક્રમણ સૌથી પહેલી જરૂરી છે, બાકી બેસીને ગમે એટલા પ્રતિક્રમણ કરશે, ગમે એટલા સામયિક કરશે તો પણ મુક્તિ નથી. ભાવ પ્રતિક્રમણ બહુ જરૂરી છે. અચ્છા, એવું પણ નથી માનવાનું આપણે, કારણ કે ક્રિયાથી જ તો તમને ખબર છે કે તમે શું કરી રહ્યા છો. તમને એટલી તો ખબર છે ને ક્રિયામાં કે હું આ સામાયિકમાં કે પ્રતિક્રમણ બેસીશ તો મારે કોઈ વસ્તુને અડવાની નથી. આ તો બાળકો માટેની વાત છે ને, આ તો બાળ જીવ માટેની વાત છે. સમજાય છે આ વાત? બાળ જીવ માટે એક સામાયિક બે સામાયિક શિક્ષા વ્રત થયું, બરાબર. પરમાત્મા એ દીક્ષા લઈને તો સર્વવીરતીમાં તો આ જીવન સામાયિક આવી ગયા, કાયમના સામાયિક આવી ગયા. હવે એમને એક એક સામાયિક કરવા તો જવાનું નથી. વાત આ સમજાય છે? ક્રિયાનું મહત્વ ક્યાં છે? એક જ સામાયિક જાવત જીવ લીધા પછી શું તમારે દર કલાકે સામાયિક કરવું પડે છે? જયારે આપણે કરવું પડે છે. પ્રાયશ્ચિત આવશે એવું વિચારનાર ને કે પ્રતિક્રમણ કરવાની જરૂર નથી, મનમાં શુદ્ધ ભાવ રાખો, બહુ થઈ ગયું. એ તો પાછું તમને પ્રાયશ્ચિત આવશે એનું કે તમે પ્રતિક્રમણ કરવાની ના ના મગજને મનને ના પાડી દીધી. નહીં આવે? હા, તમે તમે ના પડીને પણ તમે પાપ કરી રહ્યા છો, એ ખબર છે? તમે એમ કહી દેશો કે ક્રિયાની જરૂર નથી, પણ ક્રિયાનું મહત્વ તો પછી છે, ભાવનું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એવા શુદ્ધ ભાવમાં તો તમે આ ટાઈમે તમે બે મિનિટમાં તો એ ભાવથી નીચે ઉતરી જાઓ છો. પહેલાં જેવા શુદ્ધ ભાવ 48 મિનિટ કે હવે કર્મ અંત આવ્યો, તમારા કર્મ કારણ વર્ગના તમારા આત્મા ઉપરથી પૂરેપૂરી ખરે છે ને, એવા સમયે જ આ ભાવ કામ કરે છે. દક્ષા, આ ભાવ ક્યારે કામ કરે છે એ તો વિચાર, એના પહેલાં તો ક્રિયા જ કામ કરે છે ને. પહેલા બંનેનું કાર્ય વિચાર. ભાવ ક્યારે કાર્ય કરે છે? અંતિમ સમય છે, અંતિમ ટાઈમ આવ્યો છે, બધા કર્મોનો ક્ષય થઈ ગયો છે. હવે એ રડ્યા ખડ્યા આખા દિવસના બે ચાર સંજવલન કક્ષાએ પહોંચી ગયા છો તમે, એ શ્રાવક છે, સંજવલન કક્ષાએ પહોંચી ગયો છે, ત્યારે એને ભાવ પ્રતિક્રમણ કામ આવે છે. એના પહેલાં તો એને ક્રિયા પ્રતિક્રમણથી જ અહીંયા સુધી પહોંચ્યો કેવી રીતે એ તો વિચારતું પહેલાં. ત્યાં સુધી તમે પહોંચ્યા કેવી રીતે? ક્રિયામાં નહીં હોત તો તમે પહોંચી શક્યા હોત? ક્રિયા પ્રતિક્રમણ મહત્વ કે ભાવ પ્રતિક્રમણ મહત્વ, એના માટે એક વસ્તુ વિચાર. ક્રિયા દવા કામની કે ભાવ દવા કામની? ચલ વિચાર. દવા, હા બસ, ક્રિયા ભોજન પેટ ભરશે કે ભાવ ભોજન પેટ ભરશે? ક્રિયા ભોજન થી પેટ ભરાશે ને. એટલે ક્રિયા એ ટોટલ ઈલાજ છે. ક્રિયા કરતા કરતા તમે તમારા કર્મોને એવા ક્ષીણ કરી દીધા કે જે સમયે કર્મ ખતમ થઈ રહ્યા છે એ ટાઈમે તમારે એ ક્રિયાની જરૂર નથી. પણ ત્યાં સુધી પહોંચવા તો ક્રિયાની જરૂર છે કે નહીં? હા કે ના? કેમ કેવડી થયા પછી સૌથી પહેલી દીક્ષાના કપડાં આપે દેવો? હવે જરૂર છે એમને? હવે ક્રિયાની શું જરૂર છે? બસ બસ. એટલે ક્રિયા, જ્યારે જ્યારે ભરત રાજાના હાથમાંથી વીંટી નીચે પડી ને ત્યારે પ્રતિક્રમણમાં નતા, હોત તો એ આ ચિંતા અરીસા સામે ન બેઠા હોત. આ પણ સાચી વાત? હોત તો એ અરીસા સામે ન બેઠા હોત, બરાબર. આજે 1500 તાપસ જેમણે ગૌતમ સ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી અને એ દીક્ષા લઈને સમોસરણ સુધી જઈ રહ્યા છે, એમાંથી બધાને તો રસ્તામાં જ કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું. બધાને રસ્તામાં કેવળ, મતલબ સાવ છેલ્લે આવીને અટકેલા હતા એ લોકોના કર્મ. બસ સંજવલન, એટલે તાપસમાં સંજવલન થઈ ગયેલા હતા એ લોકો. સીધી વાત થઈ ગઈ ને? એટલે ક્રિયા કારણે તમે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છો, આ વસ્તુ સમજવાની છે. હા, અંતિમ સમય જ્યારે તમે કેવડી થઈ રહ્યા છો ત્યારે તમે ક્રિયામાં નહીં હો તો બી કેવડી થઈ શકશો.
કારણ કે હવે તમારા કર્મ પૂરા જે સમયે બધા ખરી ગયા એ સમયે તમને કેવળ જ્ઞાન, પણ એ ટાઈમે તમે કોઈવાર શ્રાવકમાં છો તો તમે કોઈવાર પ્રતિક્રમણમાં ના પણ હો, બરાબર. જરૂરી નથી કે તમે એ ટાઈમે પ્રતિક્રમણમાં. એટલે અહીંયા યહાં મહત્વ કિસકો દિયા હૈ, મહત્વ ઇસ ચીજ કો દિયા હૈ, આલોયણા ઓર પ્રતિક્રમણ, પ્રાયશ્ચિત, આલોયણા, પ્રતિક્રમણ, યે તીન કો હી મહત્વ દિયા હૈ. યે તીન અગર કર કર કિયે હૈ ના, કિતને અગર ઇલાચી કુમારને પૂર્વ જન્મ મે દીક્ષા લેને કે બાદ યે પાપ કિયા, પર દીક્ષા લેકર લેકર ઉન્હોને કિતને કર્મો કો ખપાયા, યે તો હમ સોચી નહીં રહે, બરાબર. અગર વો નહીં સોચા હોતા તો ઇલાચી કુમાર કો નટકી દોરી પે કેવલ જ્ઞાન હોતા ક્યા, બોલો. પૂર્વ જન્મ મે હી ક્રિયા કરતે 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 બિલકુલ યે એક કર્મ પૂર્વ જન્મ મે ક્રિયા કરતે કરતે કર્મ બંધાયા હો ગયા, ઇસીલિયે એક ભવ હુઆ ના. અગર પૂર્વ જન્મ મે હી વો ક્રિયા કરતે કરતે પત્ની કો સર આંખ સે નહીં દેખા હોતા, સાધ્વી કો સર આંખ સે નહીં દેખા હોતા તો દૂસરા ભવ ભી નહીં હોતા. અભી યે તો પ્રતિગમન, યે ક્યા પ્રતિગમન કર રહે થે કા ઇલાચી કુમાર યે ભવ મે, બોલો. અભી નટ નટ બને હુએ હૈ વો તો જૈન ભી નહીં થે ઉસ વક્ત, ઓર દોરી પે નાચ રહે થે, એક તરફ મુનિ કો દેખ રહે તબ ઉનકો યાદ આયા ના. મુનિ ભગવાન ગોચર, હા વો તો પ્રતિગમન ભી નહીં કર રહે ઉસ સમય, ઉસ સમય વો ક્રિયા મે હી નહીં હૈ કોઈ ભી ઓર કેવલી હો ચુકે, મગર વહાં તક પહોંચને કે પહેલે તો ઉન્હોને કિયા હી હૈ પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ જરૂરી નહીં, કોઈ કભી ભી નહીં બોલના હૈ આપકો, બરાબર. ચલ તો આલોયણા બહુ વિહા કા અર્થ હૈ કે બહોત પ્રકાર કી આલોયણા અગર મેને લેની ભૂલ ગયા, મેં પ્રતિક્રમણ કે સમય લેના ભૂલ ગયા હો તો યે કારણ સે પ્રમાદાચરણ ભી ઉપચાર સે આલોચના કહા જાતા હૈ. તો યે આલોચના પ્રમાદાચરણ કા ભી આપકો આલોચના લેની, ઠીક હૈ. અલગ અલગ પ્રકાર કે સાવધ્ય વ્યાપાર મેં હોને સે આલોચના ભી અનેક પ્રકાર કી, ઓર હો સકતા હૈ કે ઉપયોગ કી જાગૃતિ રખને વાલે ભવ્યાત્મા હરેક ચીજ કા ઉપયોગ રખે, લેકિન અગર કિસી કો ઉપયોગ કી જાગૃતિ ન હુઈ તો યહાં પ્રતિક્રમણ. અબ યહાં પ્રતિક્રમણ કી બાત કી હૈ, પ્રતિક્રમણ દો સમય કિયા જાતા હૈ, એક સૂર્યોદય કે લગભગ ઓર દૂસરા સૂર્યાસ્ત કે સમય પે. રાત્રિ મે લગે અતિચાર કા પ્રતિક્રમણ સૂર્યોદય કે સમય કે પ્રતિક્રમણ મે, ઓર દિન મે લગે અતિચાર કા સૂર્યાસ્ત કે સમય મે લગે પ્રતિક્રમણ મે આતા હૈ. તો સુબહ પ્રતિક્રમણ એસે સમય પે આરંભ કરના ચાહીએ કે પ્રતિક્રમણ હો જાને કે બાદ શીઘ્ર પડી લેહણ કરને મે આએ, મતલબ આપ સીધે પ્રતિલેખના મે આવો, ઓર પડી લેહણ કી સમાપ્તિ કે લગભગ સૂર્યોદય હો, મતલબ પ્રતિક્રમણ સૂર્યોદય સે પહેલે, સમજ મે આ ગયા. પ્રતિક્રમણ કરના હૈ ફિર પડી લેહણ કરના હૈ તો પ્રતિક્રમણ તો સૂર્યોદય સે ભી પહેલે આ ગયા. ઓર પડી લેહણ કી સમાપ્તિ કે લગભગ સૂર્યોદય હો, ઓર શામ કા પ્રતિક્રમણ ઉસ સમય એસા હોના ચાહીએ કે પ્રતિક્રમણ કી સમાપ્તિ લગભગ મે સંધ્યા કાલ કી પૂર્ણા હોતી હો, મતલબ સૂર્યાસ્ત હો ઉસે પહેલે પ્રતિક્રમણ સમાપ્ત હો જાના ચાહીએ. યદ્યપિ યે ઉત્સર્ગ માર્ગ શ્રી સાધુ મહારાજ કે લિયે કહા હૈ, ફિર ભી શ્રાવકો કે લિયે ભી હો સકે તબ તક ઉસી સમય પે પ્રતિક્રમણ કરના ચાહીએ. અપવાદ માર્ગ મે આજીવિકા કી પરાધીનતા આદિ કે કારણ ઉસ સમય કભી નહીં કર સકે તો જલ્દી દેરી સે ભી પ્રતિક્રમણ હો સકતા હૈ, મતલબ પ્રતિક્રમણ આગે પીછે કબ હો સકતા હૈ, જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ સબ ચીજ બતાયા ગયા, બરાબર. અભી થોડા સા લે રહી હું, બાકી હમ અગલે ક્લાસ મે કલ લે લેંગે, થોડા સા યે ગાથા કા યે પોર્શન હૈ ઉસકો મે ખતમ કરતી હું. આજીવિકા કે સાધન કા વિચ્છેદન હોને સે ગૃહસ્થ જીવન મે સર્વ ધર્મ કાર્ય કા નુકસાન હો જાતા હૈ, ઇસીલિયે આગે પીછે વો પ્રતિક્રમણ આદિ કર સકતે હૈ, પરંતુ આજીવિકા વિષય નિરપેક્ષ જિસકો હુઆ હો
उसको तो दीक्षा ही ले लेनी चाहिए। देखो यहाँ बता रहे हैं, अगर आजीविका का प्रयोजन है तो ही आप संसार में रहो, संसार में रहो तो प्रतिक्रमण आगे पीछे हो सकता है, चल सकता है, लेकिन आजीविका का विषय ना हो तो उसको तो दीक्षा लेना ही यथा योग्य है। आलोचना किसकी करनी चाहिए, तो स्थूल प्राणातिपाद वीरमण पांच अणुव्रत मूल गुण और उत्तर गुण, ऐसे तीन गुण व्रत चार शिक्षा व्रत मिलके 12 व्रतों का दिन रात के अंदर जो कोई अतिचार लग गया हो और विस्मरण आदि के कारण प्रतिक्रमण के समय याद ना आया हो तो उसका मैं आत्मसाक्षी से निंदा करता हूँ और गुरु साक्षी से ग्रहा, ठीक है, उसका मैं ग्रहा कर रहा हूँ। इस प्रकार से प्रायश्चित आपको श्रावक को 12 व्रत का लेना चाहिए। तो इस तरह से प्रतिक्रमण करने वाला जीवात्मा अपने द्वारा दुष्कर्मों के अतिचार आदि की निंदा और ग्रहाकरण रूप प्रतिक्रमण करके विनय जिसका मूल है ऐसे वितराग प्रणीत धर्म की विशेष आराधना के लिए तस्स धम्म तस्स केवली पन्न तस्स इस शब्द पद को बोल के मंगल गर्भित नीचे की गाथा बोलता है। मतलब जो जो बैठे हुए जो गाथा है अबुठ्योमी आराहना है वीरहोमी वीराणा है तिविहेण पड़िकंतो वंदामी जिन चौबीसम, उससे पहले जो पैर उठाना है और बैठना है ना उसकी चर्चा की है। तो ये प्रतिक्रमण करते करते आपको तस्स धम्म तस्स केवली पन्न तस्स जब आप बोलते हो उस वक्त बोलने के बाद अभी तक आप गोदूही का आसन में बैठे थे, अब आप वो गोदूही का आसन का त्याग करते हो और ये गाथा तस्स धम्म तस्स केवली पन्न तस्स इतना बोल के आपको खड़े हो जाना है। बराबर याद आ रहा है प्रतिक्रमण में वंदितु में क्या होता है वो? हाँ, ये क्रिया क्यों है? तस्स धम्म तस्स केवली पन्न तस्स, ये धम्म तस्स केवली पन्न तस्स ये पद क्यों बोलना है? क्योंकि अभी तक तो मैं बैठा हुआ था, अब मैं खड़ा हो गया हूँ और खड़ा होने के बाद अभूठ्योमी आराधना है, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं श्रावक धर्म की अभूठ्योमी करने के लिए सावधान हो गया हूँ। वीर होमी विराहना है, मैं विराधना से वीर परमात्मा के बताए हुए धर्म की विराधना से हटता हूँ, उसे विरमता हूँ, मैं विराधना से विरम रहा हूँ। और मन वचन काया से तिविहेण पड़िकंतों में तीनों से प्रतिक्रमण अतिचारों से निवृत्त होके 24 तीर्थंकर परमात्मा के लिए को वंदन करता हूँ। तो ये गाथा में जो आप पहले बैठे हुए हो गोदुही का आसन में बैठे हुए हो, अब आप बिल्कुल खड़े होकर तस धम तस केवली पन्न तस ये शब्द बोल के खड़े हो जाते हो, अबूठ्योमी आराण है वीरोमी वीराण है तिवेण पड़िकन तो वंदामी जिन चौबीस, ये आप खड़े होके बोलते हो। इसका अर्थ यहाँ ये बताया है कि केवली भगवान के बताए हुए और गुरु महाराज के पास स्वीकार किए हुए श्रावक धर्म की सम्यक रूप से आराधना करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। समझ में आया? अब श्रेष्ठ आराधना ऐसे ही हो सकती है, खड़े होके ही, विराधना से विराम करना है अब आराधना करनी है तो ये विराधना से निवृत्त होता हूँ और आराधना करने के लिए मैं मन वचन काया तीनों से परिक्रमण करके 24 परमात्मा को वंदन कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो उसके लिए आप खड़े होते हो, मन वचन काया से पीछे हट रहा हूँ और अतिचारों का तीन प्रकार से प्रतिक्रमण कर रहा हूँ और मंगल के लिए क्षेत्र आश्रित काल आश्रित आसन उपकारी वंदामी ऐसे 24 परमात्मा का मैं वंदन कर रहा हूँ, ऋषभदेव आदि 24 परमात्मा को। इस तरह कल्याणकारी विशुद्ध भाव उत्पादक शब्दों का यहाँ उच्चारण किया गया है और इस पद से हम ये भरत क्षेत्र के समान चार भरत चार ऐरावत चार भरत क्षेत्र तथा पांच भरत क्षेत्र, मतलब हमारा खुद और हमारे अलावा अन्य चार, ऐसे पांच भरत और पांच ऐरावत में होने वाले 24 तीर्थंकर भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ।
ठीक है, पांच महाविदे के तीर्थंकर परमात्मा को भी इसमें वंदन आ जाता है। 24 परमात्मा का वंदन मतलब सबको हो गया। अब यहाँ वंदामी जीण 24, अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि महाविदे में भी 24 ही बार तीर्थंकर ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों में मिलके होंगे, क्योंकि जब हमारे यहाँ परमात्मा होंगे तब ही वहाँ पे जन्म होगा, तो वहाँ भी वंदामी जीण 24 ही बोला जाएगा। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। जब यहाँ परमात्मा का जन्म होगा तब ही पांचों महाविदे में हर एक पूर्व में एक, पश्चिम में एक, तो टोटल महाविदे में 20 भगवान का जन्म होगा। ये बात समझ में आ गई, और ऐसा 24 बार ही होगा, इसीलिए वंदामी जिन 24 बोला जाता है। चौबीस ये पद से जिस तरह 15 कर्म भूमि में तीर्थंकर भगवान की गिनती करो, 24 जीण विणक गय कहाई, ऐसा भी गाथा आती है आगे, ठीक है, तो अर्थ में भी वही 15 क्षेत्र के तीर्थंकरों की संख्या ही आएगी। मतलब हरेक क्षेत्र में, अब देखो यहाँ बहुत अच्छा जवाब है आपको, प्रत्येक क्षेत्र में 24 ही भगवान मिलेंगे, बराबर। हर एक महाविदे में भी 24 मिलेंगे, हर एक पूर्व महाविदे में भी 24, पश्चिम महाविदे में भी 24, हाँ या ना? बोलो कोई प्रश्न है अभी? तो ये गाथा यहाँ छूट हो गई है, अभी जावंती चेयम वाली गाथा हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, कल करेंगे कल, क्योंकि उसमें भी आपको सब क्षेत्र के परमात्मा का वंदन है, सभी क्षेत्र का। जावंती चेयाई में ऊर्ध्व अधो तीरीय तीर्यक लोक सब लोक आ गया, उसमें ऊर्ध्व लोक भी आ गया, अधो लोक भी आ गया, और सब जगह चैत्यों का, जावंती चेय मतलब चैत्य है, तो कहाँ कितने चैत्य है वो सब सकल तीर्थ बंदुकर जोड़ में जो भी आते हैं वो सब अगले क्लास में, चैत्य की वंदना हम अगले क्लास में करेंगे। आज ये महत्व का मुद्दा आया कि वंदामी जिन 24 जो 24 उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में जो 24 बार 15 कर्म भूमि में जो कर्म भूमि में जो 15 के 15 में 24 बार परमात्मा का जन्म होता है, तो ये 24 परमात्मा का साक्षी मान के मैं तिविहेण परिकंतो, मैं मन वचन काया से प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। मतलब ये हो गया कि आप ये प्रतिक्रमण सिर्फ एक भगवान को याद करके नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ हमारी 24 को याद करके नहीं कर रहे हो, लेकिन तीनों 15 कर्म भूमि के सभी 24 तीर्थंकर परमात्मा को याद करके कर रहे हो। समझ में आया? बोलो। जय जिनेन्द्र। आज का क्लास यही संपन्न, कल हम फिर से 3:30 बजे क्लास लेंगे। जय जिनेन्द्र।